बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और जहाँ जहाँ शाम वहाँ गुड इवनिंग, बिकॉज द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू द स्टूडियो ऑफ शो टीम ऑफ टू इन द सेगमेंट ऑफ टी टॉक। बिल्कुल, आप इस वक्त टी टॉक में मौजूद हैं विद शहला जाफरी, और अहमद जाफरी द थीम जनाब। ऑफ टू जस्ट फॉर यू। आप लोगों के लिए ये खूबसूरत सेगमेंट वीकेंड पे लेकर आते हैं और टी टॉक है। बिल्कुल, आप भी अगर हमने आपको चाय पे बुलाया है, बिल्कुल अगर आप भी चाय पे आना चाहते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। और देखें क्या क्या बातें होती हैं आज चाय पे। खूबसूरत मौसम आता ही चला जा रहा है क्योंकि स्प्रिंग बिल्कुल की आमद आमद, और यही तो हम चाहते हैं, स्पेशली कैनेडियंस, क्योंकि हम कनाडा में हैं तो वी नो अबाउट कैनेडियंस कि ये वेदर जो है ना बहुत वेलकमिंग वेदर होता है। एक्चुअली साल का कई वेदर होते हैं लेकिन दिस इज़ अ वेलकमिंग, मोस्ट वेलकम किया जाता है इस वेदर को। और बिल्कुल कोई इनकार नहीं कर सकता इससे। धूप निकली हुई है और बिल्कुल मेरे स्टूडियो में जो विंडो है वहां से भी धूप छन छन के आ रही है और बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम आपसे मिल रहे हैं। और आई वेलकम यू ऑल इन शो टीम ऑफ टू सेगमेंट टी टॉक। जी बिल्कुल, टी टॉक। आपने अभी तक मेरी चाय नहीं देखी और बहुत जबरदस्त स्ट्रांग टी लेकर आती हूँ मैं टी टॉक में, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टी ऑफ द मॉर्निंग जिसको के सही रियल चाय होना चाहिए। आई डोंट नो आप किसको रियल चाय कहते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे हम और चाय पे भी करते चले जाएंगे, चाय के बारे में भी करेंगे, और देखें कि आप हमें स्टूडियो के नंबर पे कॉल करके 6472732393 पे कॉल करके क्या चाय पे बातें करना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं रुक नहीं रही हूं मगर मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि अहमद को आपसे आमना सामना करना है, उनकी भी तो बेचैनी है आपसे मिलने की। जी अहमद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड मॉर्निंग, एंड वेयर इट इज इवनिंग इज गुड इवनिंग। हाउ इज एवरीबॉडी? ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। इन दुआओं के साथ हम हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में, और परवरदिगार से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक, सेहतमंद, खुश, खुर्रम हो। आमीन सुमा आमीन। तो जनाब, यू आर वॉचिंग टी टॉक, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। इट्स अ फेसबुक शो and the segment is tea talk. We are together in tea talk, और आज की टी टॉक में देखते हैं, क्योंकि देखिए बड़ा मुनासिबत से नाम है कि यहाँ सुबह की 11 बजे और दूसरी दुनिया में इस वक्त जो है उस तरफ शाम डिनर कर चुके होंगे लोग काफ़ी हद तक, और कुछ कर रहे होंगे और चाय चल रही होगी, और चाय पे जो बातें होती हैं उनका मज़ा ही कुछ और है। खाने में तो बिल्कुल कहा जाता है कि खामोशी से खाना खाया जाए, लेकिन अक्सर खाने की टेबल पर भी खाना भी होता है और चाय भी होती है, बड़ा मज़ा आता है। एनीवेज, तो आज की टी टॉक में देखते हैं कि शाला जी क्या आपके लिए, कौन सी चाय लेकर के आई है और हम भी आपसे पूछते हैं कि वॉट कैन टी यू आर टेकिंग। बेशुमार किस्म की चाय होती है, और आज हम बताएंगे आपको खास खास कुछ जगह ऐसी है जिनकी चाय बड़ी अजीब और गरीब तरीके से बनाई जाती है और बड़ी मज़ेदार होती है। वाकई डिपेंड करता है व्हाट्स योर टेस्ट। बहरहाल, आज हमारे मेहमान होंगे जनाब, एज यूजुअल जो हैं हमारे साथ आते हैं खालिद अजीज साहब, अपने ज़बरदस्त शेर व शायरी के साथ। उसके साथ मसूद राजा साहब होंगे। मसूद राजा साहब का नाम एक ऐसा है कि वो आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा, उनसे बातें करके आपको बहुत मज़ा आएगा। ही इज़ अ ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट एंड ग्रेट मेम्बर ऑफ PTI, और आज की खुशी में जो कुछ हुआ अभी पिछले दिनों वो आपसे मुखातिब होंगे मसूद राजा साहब भी। और उन्होंने जो यहाँ रहते हुए खिदमत अंजाम दी है, और मुश्किल वक्त में अपनी कम्युनिटी का, जिस तरह से पाकिस्तान जा करके वॉलंटियरली उन्होंने जिस तरह से खिदमत अंजाम दी है, वो सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा और आप
सवाल जवाब भी कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 6472732393। विद इन दिस आवर यू कैन गिव अस अ कॉल एज वेल और टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आज की टी टॉक में देखते हैं कि हमारी आपकी क्या बातचीत होती है। तो शाला जी, आप क्या कहना चाहेंगी फर्दर? देखें, मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं तो बहुत कुछ कहना चाहूँगी क्योंकि दिस इज़ माई फेवरेट टाइम, आप लोगों से मुझे बात करने का मौका मिलता है और हम और आप मिलते हैं, एक्साइटमेंट होता है। तो वो ये होता है कि देखें क्या ये तो बताऊं कि क्या क्या लाई हूँ, नहीं मैं बताती चली जाऊंगी, दो तीन चीज़ें बता देती हूँ। कुछ पॉजिटिव स्टोरीज लेकर आई हूँ मैं, कि मैं चाहती थी कि वो आपसे मैं शेयर करूं और आपको भी अच्छा लगे और मैं भी देखें। और दूसरे ये कि लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा होगा जो मैं ला रही हूँ आपके लिए। दूसरे हम पत्तों पे बात करेंगे, किसके पत्तों पे बात करेंगे, जो मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरा, उन पत्तों के बारे में बात। तो ये सब करेंगे हम और भी कुछ करते चले पत्तों जाएंगे इस का पता प्रोग्राम। कैसे आपको चला जबकि आपकी नजर से ही नहीं गुजरा और आप बात भी करेंगी पत्तों पे? नहीं, पहले नहीं गुजरा है मैम। और पत्तों पे पता, पत्तों का पता कैसे चला? पत्तों का पता ऐसे चला कि पता करने से पता चला। देख ले, अच्छा, ऐसे ही होगा टी टॉक में। अच्छा, गुड, आप दोहरा दें जरा मैंने तो क्या वो कहा। पत्तों का पता ऐसे चला कि पता करने से पता चला। और दूसरी चीज, पत्तों के अलावा पत्ती भी तो होती है, फिर देखें क्या मैं कहते क्या हैं करती वो हूँ पत्ती, उसको। किस चीज की होती है? बहुत सारी होती है, मतलब बहुत सारी होती है। पत्ती चाय की पत्ती? देखें वो तो लीव्स है ना, किसी भी लीव्स जो है वो किसी भी ट्री, हर ट्री में होते हैं, लेकिन कुछ बहुत बेनिफिशियल फायदे, होते यस हैं यस यस, और कुछ नुकसानदेह भी हो सकते हैं। लिहाजा ऐसा नहीं है कि किसी भी पत्ते से तोड़ के और आप काम करना शुरू कर दें, जो भी मैं भी करना है। आपको एक पत्ते की ऐसी पते वाली बात बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा। अच्छा। आज ये मैंने पता क्या कहा? पता पता ही अच्छा, आप पता हो बताएं रहा मैंने है। क्या कहा फिर? आप, मैंने तो बता दिया था आपने क्या कहा था, मैंने क्या मैं भी कहा? आज आपको पत्तों की ऐसी बात बताऊंगा कि आपको पता चल जाएगा। अच्छा, बहरहाल हम इस वक्त टी टॉक में आपके साथ मौजूद हैं और हम बता चुके हैं कि हमसे मुराद क्या है, आपके साथी, आपके होस्ट, आपके दोस्त, आपको चाहने वाले और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी, आपके साथ द थीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू लेकर आई है आज का ये खूबसूरत सेगमेंट। पहले मैं जरा चाय की सिप ले लूं और जो जो भी हमारे साथ जुड़े वो चाय पीता चला जाए, क्योंकि मजा ही जब है जब आप चाय पी पी के बातें करते हैं। अहमद, आपने कितनी चाय पी ली आज सुबह से? हाँ, बस चंद घूंट जरूर पी है मैंने। अच्छा हाँ, ऑलमोस्ट समझ ले के आधी कप से भी कम। अच्छा अच्छी सी बात से मैं बात शुरू करती हूँ। देखें, जी फरमाइए। बात यह है कि मियामी जेनेटर क्वाइटली हाँ, फेड थाउजेंड्स एंड लव इज द रीजन। ठीक है, 60 years ओल्ड हैं अच्छा, खातून और वो अपने किचन में एवरी फ्राइडे को बीन्स एंड राइस पकाती हैं और अब उनका एम है कि 1000 meals अ वीक उनको लोगों को, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है तो उनको यह है कि भाई बड़े थाउजेंड, बड़े अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। हाँ तो 1000 meals उनका एक टारगेट है, क्योंकि देखें अच्छा, खुद भी वो कोई बड़ी जॉब नहीं कर रही, ऐसी नहीं है, शी इज ऑफ कोर्स पता नहीं मिनिमम वेज पे कर रही है क्या है, उनके एक्सपेंसेस को कम करके कुछ इस तरह से। तो बीन्स एंड राइस उन्होंने सोचा कि ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल चीज होगी मेरे लिए, लेकिन कम से कम पेंडेमिक में जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है ड्यू टू द इकोनॉमिकल सिचुएशन, उनको वो फीड कर रही है, विच इज अ वेरी वेरी गुड क्या कहना चाहिए स्टेप, और लोगों से प्यार करने का तरीका बेशक। वो तो। अच्छा, अब एवरी फ्राइडे को येलो राइस होते हैं उनके और बीन्स होते हैं,
ग्रेट ठीक है। ग्रेट 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 अच्छा टी टॉक का टाइम है, आप लोगों को बताऊं कि हर सैटरडे को शो टीम ऑफ टू का ये सेगमेंट टी टॉक हम लेकर आते हैं थर्सडे, सॉरी सैटरडे मॉर्निंग 11 AM ईस्टर्न और 12 PM तक हम आपके साथ रहते हैं चाय पे। बेशक। जी अहमद, हाँ जनाब, तो जर अब ये बताइए, आपने तो मुझसे पूछा ना कि आपका मैं कौन सी चाय पी रहा हूँ। मैं तो रेगुलर चाय होती है जो कि आप बना के देती हैं मुझे, मैं और बना के आई दे देती हूँ, लेकिन प्रेफर मैं आपके ऑर्डर पे बना के देती हूँ आपको आई क्या क्या डालना होता है, वो तो मैं आई बता नो चुकी हूँ आई अपने साथियों को, मोस्टली आई प्रेफर नो क्रीम, नो शुगर एंड नो लेकिन आज मिल्क, आपने बट क्रीम आज डाल मैंने ली है फिर थोड़ी सी मैंने क्रीम आपके कहने पे डाल दी। मैंने पकड़े कहा गए चलें ठीक आप। है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, कभी कभी जायका तब्दील करने के लिए। तो बहरहाल बड़ा मज़ा आ रहा है, सब चाय पी रहे हैं, आपसे गुफ्तगू हो रही है और अपने मेहमानों का इंतज़ार हो रहा है। थोड़ी देर में हमारे मेहमान भी कॉल करेंगे और आपके साथ जनाब जुड़ जाएंगे हम सब के सब, और बहुत मज़ा आएगा इस गुफ्तगू का। तो बहरहाल आज जो है रियल इस्टेट हाईलाइट्स में कुछ आपसे बातें भी होंगी जो कि बड़ी अहम है रियल इस्टेट की दुनिया में। और मेरे जो दोनों साथी हैं जो वो हमसे जुड़े रहते हैं, वह खालिद रजीज साहब, आप भी रियल इस्टेट एजेंट हैं, और जो मेरे नए मेहमान हैं वो भी एक बड़े अच्छे ज़बरदस्त रियल इस्टेट एजेंट हैं, खालिद मसूद राजा साहब। उनकी बहुत सारी खूबियां जो कि मैं बताऊंगा आस्ते आस्ते आपको, मतलब ही इज़ स्पेशलाइजिंग इन गैस स्टेशंस बेसिकली। तो अगर आप लोगों को गैस स्टेशन चाहिए तो भाई कोई मसला ही नहीं है, आप कॉल करें और मसूद राजा का साथ तक पहुंच जाइए, और खट से आपका गैस स्टेशन आपके हाथ में होगा, अपना बिजनेस आपके पास होगा, तो वाई नॉट। तो इसी तरह से खालिद अजीज साहब जो है माशाल्लाह कॉन्डोज स्पेशली है, स्पेशलिटी है उनकी, और आपको जनाब अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट हम लोग करा देते हैं, और क्या चाहिए। और यकीन माने रियल इस्टेट इज़ द वन जिसकी वजह से आप जो है एक आपकी ज़िंदगी में एक इस्तेहकाम आता है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हैं, और एक स्टेबिलिटी आती है। द रियल इस्टेट इज़ द की फॉर एट, एंड सबसे बड़ी बात है कि द राइट टाइम आप इसको जो है इसमें जंप इन हो, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, कम ऑन गिव अस अ कॉल 416-704-0651, अहमद अंशाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। अच्छा दूसरी खबर मैं ये आपसे शेयर करनी चाह रही हूँ, बात खबर नहीं कहूँगी इसको, कि लोग जो है ना वो ये हमने बात शुरू की थी अपने शो टीम ऑफ टू में थर्सडे के प्रोग्राम में, लेकिन टाइम इतनी तेजी से गुजर गया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी कि इसको हम पूरी तरह से कवर नहीं कर सके इस बात को। उसमें ये है कि लोग जो हैं वो अपने इस पैंडेमिक में कुछ जगहों को छोड़कर कुछ छोटी जगहों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इकोनॉमिकली जो भी है उनको, तो उसके लिए कहा ये जा रहा है कि स्मॉलर टाउन में अगर जाना चाह रहे हैं जब से पेंडेमिक हिट हुआ है, तो नियाग्रा ऑन द लेक जो है ना वो इस वक्त नंबर 1 सिटी है इस लिहाज से। न्यू रिपोर्ट सजेस्ट दैट नियाग्रा ऑन द लेक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन कनाडा। नायग्रा ऑन द लेक, यस वेरी गुड हाँ वेरी गुड, और हमारे बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड जो है पाकिस्तान, वहां से मोहम्मद अफजाल सदीकी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ही इज माशाल्लाह अ जर्नलिस्ट माशाल्लाह। एंड ही इज ऑलवेज विद अस ऑन फेसबुक, एंड अच्छा वेरी नाइस जेंटलमैन। अच्छा और दूसरी चीज ये कि देखें 21% बायर्स ऐसे हैं जो कि छोटे टाउन में जाना चाह रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा इंटरप्शन जी चाहता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल वो आज सही वक्त पे थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट इधर उधर हो गए, लेकिन हीरा महमूद साहबा आ चुकी वेलकम वेलकम टू शो हैं टीम ऑफ टू के सेगमेंट टी टॉक में। अच्छा अच्छा ये चाय पूछना है चाहता हूँ कि आपके पास? हाँ आप ये मुझे बताइए कि अफजाल साहब चाय पी रहे हैं आप कि नहीं पी रहे, अगर पी रहे हैं तो किस किस्म की चाय पी रहे हैं आप। इसी तरह से हीरा महमूद आप मुझे टेक्स्ट कर सकती हैं, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो का नंबर आपको मालूम है के 647-273-2393। अगर नहीं कॉल करना तो भाई टेक्स्ट करके बता दें कि व्हाट काइंड ऑफ टी यू आर हैविंग विद अस। थैंक हाँ यू। जी बिल्कुल। अच्छा एक तो ये बात मुझे मैंने मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूंगी लास्ट प्रोग्राम में और नहीं कर सकी थी। अच्छा
पेंडेमिक जो है ना, बहुत मजे मजे की बातें हैं। अभी मैं आपसे बहुत सारी बातें पेंडेमिक शेयर। और मजे की बात, कम ऑन. हाँ, देखिए मैंने कहा चल ना पॉजिटिव पॉजिटिव रहे। राइट राइट ओके. लेकिन अच्छा, अभी आपने मुझसे ऐसे सवाल किया कि नहीं, अभी मैं नहीं बताऊंगी, शुरू में ही अभी प्रोग्राम के बताऊंगी, लिए। अभी नहीं बताऊंगी. व्हाट इज दिस? मैं सिचुएशन को देख के बात करना चाह रही थी। देखिए, लव स्टोरी है अच्छा जी. लेकिन थोड़ी सी सैडनेस आ सकती है आपको। हाँ, ओके इसलिए अभी नहीं, थोड़ा मिडल ऑफ द प्रोग्राम हम बताएंगे अच्छा आपको। चलिए ठीक है. अच्छा, कहाँ लोग जो है ना वो पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कहूंगी, मैं ये हाँ कहूंगी कि कहाँ पर लोग जो है ना वो पैसे लगा रहे थे। अब जो फर्स्ट पेंडेमिक आया, जो सेकंड पेंडेमिक, मतलब ये कि जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ और जो सेकंड लॉकडाउन हुआ, उसमें ये हुआ कि भाई कहाँ आप पैसे लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अहमद, कुछ गेस करें आप। वाह, कहाँ इन्वेस्टमेंट? मैं तो रियल एस्टेट एजेंट हूँ भाई, मैं जो तो एक ही चीज मैं भी पता रियल है, एस्टेट एजेंट तो हूँ आई अहमद, ये नो क्या हम बात लोग. है। या राइट. लेकिन हमें लोगों को जानना होता है ना, मुझे इस बहुत वक्त मजा जो है, आता इस है। वक्त जो है, आप देखिए कि मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ कि रियल एस्टेट कितना बूम हुआ है, तो मेरी नजर में तो रियल एस्टेट में लोगों ने बड़ा इन्वेस्ट वो किया है. तो अब तो इस पे बात आपने करना मुझसे जो है पूछा, ना मैंने वो, अपनी राय दे दी आपको, अब आप बताइए हाँ, मुझे. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिजनेसेस डाउन हुए बट इफेक्टेड हुए, लेकिन रियल एस्टेट इन अ गुड वे राइट वो हो एग्जैक्टली. गया और बहुत अच्छा चला, क्योंकि लोगों ने घरों की जरूरियात को महसूस और किया। मजे की और बात है कि हाई एंड हाँ, प्रॉपर्टीज गई है, लाइक 5 मिलियंस प्लस, अप टू 25 मिलियंस और मोर. जी, सो वो अच्छा। प्रॉपर्टीज जो जो और उसी वजह लुकी बिकी वो से, मूव हुई उसी है. से रिलेटेड है ये बिल्कुल बात कि बिल्कुल. लोग जो है ना, वेयर पीपल आर पुटिंग देयर मनी राइट नाउ। पहले तो कहते थे ना कि वेयर योर माउथ इज, हाँ वर्लपूल लगा रहे हैं लोग घरों में, व्हर्लपूल. यस. क्योंकि हाँ क्योंकि वो एंजॉय करना हाँ चाह रहे हैं अपने हाँ घर को, हाँ बैकयार्ड को बहुत सजा रहे हैं। और ट्री, मतलब लास्ट जो समर अभी पेंडेमिक में हमारा गुजरा है, उसमें हमने भी किया काफी. यस ऑलरेडी। हमारे मतलब अहमद समटाइम्स अपसेट हो जाते थे, कहाँ लगाऊं, कहाँ है जगह, क्या कर रही हो, फिर नहीं, खरीद आपने रही गलत हो। जुमला इस्तेमाल किया. आपके कहने पे मैं अप हो जाता था और सेट कर देता था. इनका इसीलिए ये मैंने मतलब, अपसेट दोनों बातें इनका की मतलब कहने का हैं। है कि मैं जैसे ही कहा कि ये पौधा यहाँ लगाना है और वो यहाँ खुदाई करनी है, मैं अप हो जाता था और उसको वहां सेट कर देता था. जी इनका अहमद, मतलब कहने का ये अहमद, था. और काफी देर तक इस बात पे बात होती रहती थी कि कहाँ लगाऊं, दिखाओ मुझे जगह कहाँ है। कोर्स देखिए ना. लेकिन पता है क्या है, अहमद की एक खास बात है, वो जब कोई बुश या कोई ट्री लगा हुआ होता है ना, वो उससे बहुत दूर दूसरी चीज लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूं कि देखें, यहां तो इतना सोशल डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बहुत करते हैं अहमद, हमारे बुशेस में, ट्रीज में, फ्लावर्स में, और इतनी जगह पड़ी है माशाल्लाह, इतना बड़ा बैक यार्ड है। मगर अब अहमद को लगता है वहां कोई जगह, अभी भी मैं चाहूं तो वहां 15 बुशेस लगा सकती हूँ या ट्रीज लगा सकती हूँ। जी. क्या ख्याल है देखिए अहमद? बेसिकली क्या है कि देखिए मुझे मैं लैंडस्केपिंग बहुत पसंद है, ऑन, लेकिन हाँ मुझे व्यूज भी बहुत पसंद है. मेरा बैकयार्ड माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया कि बैकयार्ड इज वेरी वेरी गुड एंड ह्यूज, राइट? उसके साथ ग्रीन बेल्ट है, तो दूर दूर तक घर है. अब क्या होता है कि अब बुशेस से, ट्रीज से, ऊंचे ऊंचे सब कुछ आपने ढक दिया. व्हाट विल यू एंजॉय? जस्ट दीज बुशेस एंड दीज ट्रीज, राइट? ओह तो माय मैं चाहता हूं कि गॉडनेस, हर चीज दूर दूर हो ताकि हम दूर तक के देख सकें. बर्ड्स बहुत आती हैं मेरे बैकयार्ड में, तरह तरह के. अभी पिछले दिनों देयर वाज अ फाल्कन केम इन अच्छा माय बैकयार्ड, जी अहमद, यू नो, बहुत लाइक. सारे बर्ड्स आते देखिए, हैं। अच्छा, हमें इजाज खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया और फरहत नसीम खान साहबा ने भी ज्वाइन कर लिया हमें. वाह, वेलकम टू शो जी टीम ऑफ टू। अच्छा जी, टी टॉक में मौजूद हैं आप लोग, और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप सबके हाथ में चाय के कप देखूं। क्या बात करनी है, 6472732393 पर हमारे साथ चाय पे शामिल हो सकते हैं। जितना मजा चाय पे बात करने का आता है ना, कि चाय हाथ में हो और हम बातें करें, क्योंकि देखिए चाय हम उसी रिलैक्स होने के लिए पीते हैं, और जब रिलैक्स होते हैं तो पीते तो जनाब, मैं कहता हैं। हूं चीयर्स विद द टी. अच्छा अच्छा, चलें। अच्छा, उसके अलावा देखें, होम डेकोर, ऑफ कोर्स रियल एस्टेट मूविंग है तो फिर होम डेकोरेशन तो कहाँ बिल्कुल होनी होनी है। डेफिनेटली. रेनोवेशन बहुत की लोगों ने पेंडेमिक में अपने घरों की,
और घर को ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल एंड अफोर्डेबल बनाने की कोशिश रही, और एंटरटेनिंग कोशिश किया उन्होंने राइट कि घर में ही हमें मज़ा है, विच इज़ गुड, हाँ विच इज सेम थिंग वी डिड. आई थिंक नेचुरली हर एक का माइंड एक ही तरफ जा रहा था, एंड ये वेरी इट्स अ हेल्दी वे टू स्पेंड ये पेंडेमिक के डेज. अच्छा, दूसरी एक स्टोरी मैं सुना अच्छा रही हूँ, मोहम्मद देखें. अफजाल साहब ने एक बात कही थी हाँ जबरदस्त थैंक यू सर थैंक यू बिल्कुल. अच्छा, मैं जो स्टोरी सुना रही, 35 years old डॉक्टर. देखिए, अहमद ये नहीं कहेगा कि तुमने सुबह ही सुबह सैड कर दिया, नहीं लेकिन इस सैड स्टोरी में क्या है, देखिए आप खुद देखेंगे. एक 35 years old डॉक्टर, आई थिंक इफ आई एम थर्टी फाइव नॉट इयर्स रॉन्ग, यंग बोल रहा है हाँ, कपल ऑफ मंथ्स अगो आई अच्छा थिंक, उन्होंने ना ये कहा कि वो ना, शी वॉज जस्ट, इतना काम किया, इतना काम किया उन्होंने पेंडेमिक में कि उनको ना जैसे ब्रेक डाउन होने लगता है, इस तरह हो गया. फिर ओके उनको सबने मशवरा दिया कि यू शुड टेक अ ब्रेक. ओके तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ब्रेक लिया, लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाऊँ, एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाए. फीमेल डॉक्टर थी मतलब फीमेल डॉक्टर थी, ओके ओके तो अच्छा उन्होंने ले लिया ब्रेक, 2 weeks की ब्रेक ले ली. लेकिन फिर वो मजीद एंग्जाइटी उनको हो गई, मजीद डिप्रेशन में चली गई वो, क्योंकि उन उनकी एक वो आदत थी ना बिजी रहने की नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उनको ना गिल्टी फील होने लगा कि ये मैंने क्या किया, मेरी तो जरूरत थी हॉस्पिटल में, मेरी जरूरत थी मरीजों को, क्लिनिक में, हाँ और ये मैंने जो है ना, मैं सेल्फिश हो गई, गलत किया है हाँ ना, मैंने ये गलत किया. तो अभी एंजाइटी उनकी इतनी बढ़ गई कि सुसाइड कर लिया उन्होंने. ओह सो दिस इज सैड. रियली बैड एंड सैड उफ, मैंने ये खबर पढ़ी और मैंने कहा, देखिए ये लव स्टोरी है, बेशक इसलिए मैंने इसको शेयर ह्यूमैनिटी के किया है. साथ जी, ह्यूमैनिटी के साथ ये यस लव स्टोरी है, लोगों से प्यार की स्टोरी है, कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबल और इतनी चाहने वाली डॉक्टर थी कि उनको ये हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ा काम गलत कर लिया है, और मैंने ये क्या किया कि मैंने छुट्टी कर ली, और वो फिर इतने डिप्रेशन में गई कि वो वापस नहीं आ सकी और उन्होंने सुसाइड कर लिया. तो दैट्स टू बहरहाल, बैड मैं सैड करने के लिए नहीं किया, मैंने आपको ये शेयर किया आपसे बात, क्योंकि हमारा, हम ये कहते हैं, हम अच्छी अच्छी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे ताकि आप थोड़ा सा हट के सोचने लगें. लेकिन देखिए कि मैं ये कह रही हूँ कि सैड इसलिए नहीं होना कि इतना चाहने वाले लोग हमारे मौजूद मौजूद हैं, ख्याल करने वाले लोग मौजूद हैं. शैला तो इस दौरान में मैं आपको बताऊं कि एक पाकिस्तान की मैं बता रहा हूं बात एक हाँ बच्चा है हाँ आई थिंक 11 years old जी प्रॉबली उसने क्या शुरू किया अपनी माँ से वो खाने बनवा हाँ करके जी हाँ और एक बिजी जगह पर जा करके उसने खाना तकसीम करना शुरू कर दिया 10 या 5 जो भी वो कर सकता था डब्बे बना के लाता था वो बच्चा हाँ और उसने ये सिलसिला शुरू किया और उसको मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची है और इस वक्त जो वहां पर कोई हाँ भूखा नहीं सोएगा बिल्कुल के नाम से जनाब वहां पर एक शुरू किया गया है हाँ और विच इज वेरी गुड जी और उसमें देखिए और इसी तरह से दुनिया में बेशुमार जगहों पे कनाडा में देख लीजिए आप कहीं देख लीजिए आप इस दौरान में बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम शुरू किए हुए जी बिल्कुल. और बहुत सारी स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर बेशक करने के बेशक लिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे स्टूडियो में, टी टॉक के के लिए स्टूडियो में आज किसकी कॉल है. वेलकम टू शो टीम ऑफ टू, सेगमेंट ऑफ टी टॉक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम शाला सिस्टर अहमद भाई मसूद राजा बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब ये वो मसूद राजा साहब हैं जिनके वालेकुम बारे में अस्सलाम, जीते रहें. मैं अभी आप लोगों को बतला रहा था कि माशाल्लाह के ये बहुत जबरदस्त सबसे पहली बात तो ये ही आवर रियल एस्टेट साथी और आपकी स्पेशलिटी इज गैस स्टेशंस इट्स जी अ वेरी टफ वे टू डू बिजनेस एंड बट ही इज डूइंग रिमार्केबली गुड और दूसरी चीज ये कि ही इज अ ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट और इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे मैं आपको बताता चलूँ इनको रिड्यूस कर रहा हूँ मैं आपसे कि यही वो मसूद राजा साहब है कि अभी इन्हीं पंडेमिक की बात हम कर रहे थे इस दौरान में इन्होंने बेशुमार लोगों को रेस्क्यू किया मैं तो रेस्क्यू कहूँगा जो फैमिलीज स्टक हो गई थी पाकिस्तान में और वहाँ पर यहाँ रहते हुए कनाडा में इन्होंने उनको वहाँ से रेस्क्यू करके और जो फंसे हुए थे लोग उनको यहाँ पर बुलाया उसके अलावा खुद गए बहुत बड़ी बात है कि खुद गए इन दिनों में और जाकर के वहाँ खुद लोगों से मिले और उनके मसाइल और मुश्किलात को दूर किया जनाब मसूद राजा साहब मोस्ट वेलकम टू टी टॉक एंड आवर शो टीम ऑफ टू
जी बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका और शैला सिस्टर आपका कि आपने जो है वो मौका दिया यहाँ पे बोलने का, और जितना आपने बोला है ये इंसान के बस की बात की चीजें नहीं होती, बस अल्लाह पाक का फजल और मेहरबानी होती है। अल्लाह किसी को चूज करता है किसी के लिए, और बस ये अल्लाह के फजल से ही चीजें होती हैं, इंसान के अपने बस की बात कोई नहीं होती। तो ये कि हमें जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया है, जैसे इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं कि इंसान जब अपनी जात से ऊपर होकर सोचे और दूसरों की भलाई की बात करे तो बिल्कुल अल्लाह पाक उसके लिए खुद ब खुद आसानियां पैदा कर देता है। आसानियां पैदा कर बेशक देता है। बेशक बेशक जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ, अहमद ने तो कर दिया, कि आप टी टॉक में शामिल हुए हैं विद अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, और अपना अच्छा टाइम देखिए निकाल के। बेशक हाँ, और अभी हम पॉजिटिव स्टोरीज ही सुना रहे थे, हाँ और जिसमें एक जी जी बहुत डिफरेंट, आई डोंट नो आप सुन सकें कि नहीं, तो उस देखें ह्यूमैनिटी और इंसान का, इंसान से प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो बात आपने बिल्कुल कर दी टी टॉक में आज। देखिए इंसान बिल्कुल तजुर्बात से बात करता है, और मसूद रजा साहब के बारे में जो मैंने बात बताई है सदाकत पर मबनी है, क्योंकि मैं और हमारी फैमिली इस चीज़ की आईविटनेस है कि हमारी अपनी फैमिली वहां तक हुई थी, जिसकी बिना पर मैंने फिर ये सोचा कि मैं, और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मसूद रजा साहब जो है हमारे इस शो को उन्होंने कबूल किया। थैंक यू वेरी मच सर। और जी फरमा थैंक यू फर्दर जी, फर्दर फर्दर जी जी फरमाइए। जी थैंक यू अहमद भाई। तो बात यह है कि अभी जो पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, और ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है, अगर आपकी जो एक्टिविटीज कनाडा के अंदर हैं हम अक्सर उनको विटनेस करते हैं, और जो पाकिस्तान के साथ आपकी मोहब्बत है वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। हर 14 अगस्त को आप जो केक काटते हैं, ये रवायत भी कनाडा के अंदर आप दोनों ने डाली थी, और वो आज तक माशाल्लाह से कायम दायम है। जी, इवेंट अलहमदुल्ला इवेंट काउंटडाउन जी पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। जो अब जी 14 अगस्त आ रहा है वो 18वां साल होगा सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मुझे इस वजह से ये चीज याद है कि आज से 23 साल पहले मैं भी कनाडा में जब आया था, और उसके बाद आपका ये इवेंट जो है उस वक्त से मैं इसको विटनेस कर रहा हूँ। जी तो जी शुक्रिया मुसलसल जो है वो 18 साल से आपने इस रवायत को जिंदा रखा हुआ है, और आप दोनों ने माशाल्लाह से, तो ये आपको वतन से दूर आपको ये चीज याद दिलाती है कि आप अपने वतन के साथ अपनी मिट्टी के साथ कितने जुड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह और हम वहां से जब आए हैं तो डेफिनेटली इकोनॉमिक रीजन जो है वो सबसे बड़ी रीजन होती है कि जब जी इंसान उस जगह को छोड़ता है और दूसरी जगह पे जाता है। तो वो हालात क्यों बने, इमरान खान अक्सर एक बात कहते होते हैं कि जी, अपना एक वाक्या बयान करते हैं कि मैं एक दफा जो है जहाज में जब जा रहा था दुबई, तो रास्ते में मेरे साथ एक जो मेरी दूसरी सीट पे एक बंदा बैठा है, वो रो रहा था। तो वो मुझसे पूछा कि फिर क्या वजह, तो बीवी बच्चों को वालदैन को छोड़ के, तो उसने कहा जी मैं पहला जो ट्रिप लगाया था 3 साल उसके बाद में आया था वहां से। तो फिर जाहिर है बिल्कुल जब आप मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो वहां पे जिन हालात से आपको गुजरना पड़ता है और पीछे के जो हालात होते हैं उनके साथ आपको चलना पड़ता है, तो बीवी बच्चों से दूर रहना, वालदैन से, बहन भाइयों से, अपने अजीजों रिश्तेदारों से दूर रहना, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। बेशक लेकिन चूंकि पाकिस्तान के जो हालात थे, हालात ऐसे हैं कि वहां से लोग इन चीजों से दूर होते हैं, तो ये वो चीज थी जिसको खान साहब ने तहरीक बनाया, और आज आप जैसे लोग उस तहरीक करते हैं, जितना आप सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, तो ये हमें इस तारीख का ऐसा बनना है, हमें अपनी जात में सबको ये चीज सोचनी है कि हम सब इमरान खान बनेंगे तो वहां पे तब्दीली आएगी। बेशक या आई एम इमरान खान आई एम या इमरान कि खान, मैं भी इमरान खान हूँ। और इमरान बेशक खान एक फलसफा है, और वो फलसफा ये है कि नंबर वन आपको अपनी जात से ऊपर सोचना है, दूसरी चीज ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना, तीसरी चीज ये है कि हमें दूसरों की मदद करनी है, चौथी चीज यह है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी, हमें सफाई का पार्ट बनना, और गलत को गलत कहना है, हमने अपनी बेसिक वैल्यूज को जो है ना उनको छोड़ दिया हुआ है। करप्शन होती है हम उसको मान रहे हैं कि बिल्कुल कोई बात नहीं, लोग झूठ बोलते हैं हम कहते हैं कोई बात नहीं, मिलावट करते हैं कि कोई बात नहीं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल जो चीजें हैं, जब हम सब खुद इमरान खान बनेंगे और हम कहेंगे कि हाँ जी, तो तब ये रियासत मदीना का ख्वाब पूरा होगा, बेशक और वहां बेशक पे ये सारी इंशाअल्लाह चीजें ताला, होंगी। इंशाअल्लाह ताला। और हमारी दुआएं, और सबसे ज्यादा हमारी अम्मी जान की दुआएं, ओ हो और बस वो खामोश टीवी लगा लेती हैं और जी। वो पढ़ती हैं खबरों को,
क्योंकि आवाज, हाँ, और बस फिर वो मुझे भी खबरें देती हैं, आज ये कह दिया किसी ने, आज वो कह दिया, और देखो ये कर दिया इमरान खान ने, क्या बात है। बहुत प्यार करते हैं वो इमरान खान से। देखें, एक इंसान और इंसानियत, ये दोनों चीजें जो है ना, अगर एक साथ हो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, जो इमरान खान में मौजूद है। बेशक बेशक। बिल्कुल। तो देखिए, आज मैं ये समझता हूँ कि जी हमें एज अ नेशन ये सोचना चाहिए कि जी 1 70 साल के बाद अल्लाह पाक ने हमें एक लीडर दिया है कायद आजम के बाद, जो इस पाकिस्तान की और इस कौम की सोच रहा है, तो उसकी अपनी जात के लिए नहीं सोच रहा, इसमें नेवर। जात के लिए तो तब होता है कि जिस घर में वो रहता है उसने कहा कि जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो ये घर शौकत खानम को चला जाएगा, उसकी जितनी जायदाद है वो शौकत खानम को जाएगी। वाह, तो देखें, फिर पीछे पीछे आप ये बताएं कि उस बंदे का जाती लालच क्या है, ना उसने कोई फैक्ट्री लगानी है, ना उसने अपने बहन भाइयों को ओहदों पे जाके अपॉइंट कर दिया है, ना वो अपने बच्चों को सामने लेके आ रहा है। तो उसका एक मिशन है, एक मकसद है, तो उस मिशन और मकसद में हम जब तनकीद कर रहे होते हैं तो ठीक है, पॉजिटिव तनकीद करें, ये जी गलतियां इंसान है उससे भी होती हैं, जी लेकिन हमें उसके बाजू बनना है, हमें उसके साथ खड़ा होना है, और हमें वो तनकीद किसी भी लेवल के ऊपर हो रही हो तो उसको टैकल करना है कि भाई ये चीजें ऐसे नहीं, हमें खुद बदलना होगा, हमें खुद इमरान खान बन के सोचना होगा कि हम किस तरीके से इस चीज के अंदर अपना हिस्सा डाल सकते हैं, वो चाहे बेशक, अपने टाइम की हैसियत से डालें, चाहे हम पैसे की हैसियत से डालें, या इन पर्सन जाके कुछ काम करें। तो हर एक बंदा अपना रोल प्ले करना शुरू कर दे तो वो खास इंशाल्लाह जो इमरान खान ने देखा, और हम सब की ख्वाहिश है कि वहां पे इंसाफ हो, और ये सारी चीजें जो है वो इसी तरह से जो है मुल्कों में हम देखते हैं, कनाडा के अंदर हमें हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पे इंसाफ का निजाम अवेलेबल है, तो ये क्यों हम इस चीज को एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको बराबरी के हकूक हासिल है, तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते, वहां पे भी बेशक हो सकते हैं। बेशक, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। और मसूद राजा साहब, ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा, जिससे वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू अस थ्रू आवर बस स्टूडियो, तो आप कभी भी कोई पैगाम देना हो, जी ये जी एक बहुत बिल्कुल बड़ी अच्छी नेक कॉज है, और मैं आपको अपनी टीम का हिस्सा समझूंगा। आप हमेशा हमेशा, बल्कि आप जब भी चाहें इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं नेक बहुत मकासद के शुक्रिया लिए। अहमद भाई, मुझे आपका पता है आप सोशल मीडिया के ऊपर भी और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम बोथ ऑफ यू, एक टीम की तरह आप काम करते हैं और कम्युनिटी में आपका बड़ा नाम है, कम्युनिटी को आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, हर जगह पे आप कम्युनिटी के साथ खड़े होते हैं, तो यही वो चीज़ है जिसको जो है ना वो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और दूसरों को भी सीखना चाहिए, आपसे भी सीखना चाहिए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमें उनका दस्तो बाजू बनना चाहिए और उनके साथ मिलकर अपने लिए कम्युनिटी के लिए काम करें। बेशक मसूद भाई, और मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं आपको, जो अभी इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा आप बताइए। जी उसके लिए आप ये देखें कि जी इमरान खान साहब कहते हैं कि जी क्रिकेट के अंदर जो न्यूट्रल एम्पायर जो है जी वो जब आए तो वो भी तेरा जो है वो इमरान खान के साथ बनता है। फिर इमरान खान को थोड़ा सा तारीख में थोड़ा सा पीछे मैं आपको लेके जाऊंगा, तो आप ये देखें कि जी जब पिछले इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन के अंदर जब धांधली हुई और इमरान खान साहब ने 126 दिन धरना दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 4 हलके खोल दो और ये देखो कि मसला कहाँ से, जी और इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स की तरफ हम जाएं और वो करें ताकि जीतने वाला जब जीते तो वो कहे कि मैं जो है वो सही तरीके से जीत गया हूँ और धांधली के इल्जाम ना लगे। फिर हाँ वो मामला निकल गया, 2018 का इलेक्शन हो गया और जब अब सेनेट के इलेक्शन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि आए पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इस मसले को हल करते हैं और हम ऐसा एक मैकेनिज्म बनाए जिसके अंदर जो है वो जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको वो मिले और किसी के ऊपर भी धांधली ना हो। इन पार्टियों ने जिन्होंने पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए थे बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ ने, परवेज मुशर्रफ के टाइम पे, और खुद इनके अपनी स्टेटमेंट ऑन रेकर्ड है जिसके ऊपर ये कहते थे कि ओपन बैलेट के लिए इलेक्शन होना चाहिए सेनेट का, ये अपनी हाँ बात से फिर गए हाँ और इन्होंने कहा कि जिन्हें जी अभी तो इमरान खान के चूंकि अपने बंदे उसके कंट्रोल में नहीं है इस हाँ वजह से इमरान खान के जा रहे हैं, क्योंकि वो उससे सही काम को भी इन्होंने गलत किया। देखिए इमरान खान आर्डिनेंस को लेके सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा कि भाई ओपन बैलेट के ऊपर चूंकि यहाँ पे लोग बोलियां रखती हैं, पैसे लेते हैं, तो ये पॉलिटिक्स के अंदर जो करप्शन है इसको खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर एप्लीकेशन वापस भेज दिया इलेक्शन कमीशन के पास कि भाई आप इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि ये सही हो।
वो आपने वीडियोस भी देखी, सब कुछ देखा कि जी किस लेवल बेशक, पे जाके जो है ना वो बोलियां लगी, और एक सेनेट की सीट के लिए पूरे सिस्टम को किस लेवल पे गंदा किया गया, वो बेशक, चाहे आसिफ जरदारी है या नवाज शरीफ है या मरियम नवाज है या कोई भी है, तो वो सारी दुनिया ने विटनेस किया उस चीज को। जी बेशक, उसके बाद अब सेनेट के अंदर जो है वो जहाँ पे कल ये उनको शिकस्त हुई है, अब ये कह रहे हैं कि ये चीज कैसे हो गई, हमारे खिलाफ हो गया, फलाना धमाका। कहने का मतलब ये कि आप वो टाइम गुजर गए, आगे अब पार्लियामेंट में बैठे हैं और इलेक्ट हो गए, फॉर्म्स के ऊपर काम होते हैं। तो इमरान खान तो हमेशा तो चाहता है कि इनको इस तरीके इंसाफ का, तो मतलब ये एक इंसान को इंसान एक को काम है, जी उसके साथ बिल्कुल मिलकर काम करें। बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत 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 बड़ा, जबरदस्त आपकी शमूलियत हुई टी टॉक में आज, शो टीम ऑफ टू के ये बताइए सेगमेंट चाय में। कौन सी पी रहे हैं आप? जी चाय ना बिल्कुल अभी पी के, मैंने कहा जी साहब का चाय पिए, और हाँ साथ साथ वाह, मजा मजा आ आ गया। गया। अल्लाह पाक भी आप दोनों को खुश रखे, मुझे बड़ी खुशी आपके साथ बात करके आपके शो में आके, और बाकी लोगों की कॉलें भी आपको आ रही होंगी, तो आप बेशक अपना मिशन जो है वो जारी रखें, बेशक, और जिस जगह पे भी मेरी शमूलियत हो सकती है, जरूरत हो सकती है, मैं इंशाल्लाह आऊंगा। मैंने जैसे आपसे जरूर अर्ज किया कि जरूर। ये प्लेटफॉर्म आपका है, और एनी टाइम जी यू आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह करे ये पेंडेमिक खत्म हो तो आपको बनफ्स नफीस स्टूडियो में मधु जी करेंगे इंशाल्लाह। जरूर जरूर अहमद भाई, बहुत थैंक यू जी, शुक्रिया, चलो जजाक फिर अल्लाह, आपसे जजाक मिलते अल्लाह, हैव अ हैं, वंडरफुल डे। अच्छा थोड़ा सा बता थैंक दें, यू आपके सर, पास कोई गैस स्टेशन वगैरह हो तो मेरे लोगों को पता चल जाए और कुछ काम बन जाए किसी का। जी जरूर। हमारे पास जो है GTA के अंदर भी गैस स्टेशन अवेलेबल अच्छा हैं, अच्छा और ऑल ओवर GTA समझ लें विद इन 2 आवर्स विसिनिटी के अंदर जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, तकरीबन अच्छा 2.5 मिलियन से लेकर ऊपर तक, माशाल्लाह, और जिस किसी को भी इस सिलसिले में मालूमात चाहिए हो वो आपसे रابطہ करें, मुझसे बेशक रابطہ करें, इंशाल्लाह बेशक, हम मिलकर आज टीम, आप समझे हम भी आपकी टीम के अच्छा, हम ऑफ मिलकर कोर्स वो जो भी बिल्कुल कॉल आएगी आप तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और अजीज ये मेरा आपसे जी वादा जरूर है, जी और जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शमूलियत का। थैंक यू सो बहुत वेरी शुक्रिया जी, मच, थैंक यू जी, थैंक यू जजाकल्लाह सो खुदा मच, हाफिज, थैंक थैंक यू यू, सो मच जजाकल्लाह जी, अल्लाह जजाकल्लाह, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज फी हाफिज अमान अल्लाह। जी, बिल्कुल देखिए देखे कितनी कितनी मालूमात लेकर के ताकत आ गई, ताकत आ गई मुझे। और हमें इन द मीन अच्छी टाइम अच्छी जनाब बातें मुमताज खान साहब ने, अतीक फारूकी जी साहब ने ज्वाइन किया, असना मलिक साहबा ने ज्वाइन किया, आप सब लोग की शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा सुना हाँ अच्छा और कितना कितना, हाँ मजा बोलिए आया इस बोलिए, बार। जी 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 हाँ, आप कहें बिल्कुल आप कहें। ठीक है अहमद। नहीं मैं ये कह रही हूँ कि देखें कि जब इन्होंने बात की, हर पाकिस्तानी अगर अपने आप को पाकिस्तान समझेगा, हाँ स्पेशली पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो तो पाकिस्तान हैं, वो बहुत, वो पूरा पाकिस्तान है, और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं अगर उनकी फीलिंग्स ये हो जाए कि वो पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान उनसे उनमें है, तो आप देखिए कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंचता है, और इंशाल्लाह ऐसा होगा, बहुत जल्दी ऐसा होगा, नेक नियति काम आएगी इमरान खान की, और अल्लाह करे कि सब लोग ये सोचें, चाहे वो इस वक्त अपोजिशन में है, चाहे वो हुकूमत में है, हर एक को यही सोचना है कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी जी तू भी पाकिस्तान पाकिस्तान है। है। अच्छा एक अच्छी सी खबर ये भी है, देखिए कि लॉन्ग लिव जो होता है वो समटाइम्स लोग कहते हैं हमें इतनी उम्र नहीं चाहिए कि हम नहीं, मजबूर हो जाएं, ये इस लोग पे इस मैं तरह भी बात बात करूंगा, करते हैं आप ना, पहले बात खत्म हाँ, करें। लेकिन ये देखिए कि बहुत से लोग आजकल मैं देखती हूँ कि स्टडी हो रही है और उसमें ये हो रहा है कि, और उसमें लोगों को फाइंड भी कर रहे हैं कि जो ओल्डेस्ट इलाके के हों या कंट्री के हों या वर्ल्ड के हों, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, और बहुत सारी स्टोरीज हम सुनते हैं, हाँ ठीक है। अब ये जो जापान में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं उसका फ्लेम जो है ना वो कैरी करेंगे 118 ईयर्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन विल कैरी, जो जापान के ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन है वो कैरी करेंगे वो फ्लेम। जनाब, तो देखें कोई किसी को, मैं मेरा मकसद ये है कहने का, हम टी टॉक में पॉजिटिव बात, तो किसी ने भी ये नहीं सोचना है कि अब हमारी ये उम्र हो गई है उम्र नहीं और हम ये नहीं कर सकते। नहीं तो अच्छा इस बारे अहमद, में जी मैं हाँ ये कहता कि देखिए आपने जापान की बात की, मैं हाँ अपने कनाडा में भी ऐसे काफी उम्र रसीदा लोग हैं हाँ और बड़े एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में, जिसमें मैं मेयर मैराथन हेजल में। को रियली आप सलूट देख करती लिए, हूँ, आप हेजल को देखिए कि उन्होंने इस मिसेस सागो को कहाँ से कहाँ पहुंचाया।
मिसिसागा नॉर्थ अमेरिका में वाहिद सिटी है जिसके ऊपर किसी किस्म का लोन कर्जा मर्जा डेफिसिट फ्री है, देखें आप। और इसकी जो है जितनी भी खूबियां गिनाई जाए कम है, और स्ट्रक्चरली आप देखें कि वहां पर किट कहाँ से कहाँ मेयर हेजल ने पहुंचाया। एंड अभी भी रिसेंटली उनकी 100th बर्थडे थी, आई सल्यूट हर टू। दिस अदर थिंग, पाकिस्तान में खातून ने 125 ईयर्स की, आई वॉज स्टन एंड सरप्राइज टू सी हर एक्टिविटीज। वो देखिए वो बिजनेस वूमन है, वो बाकायदा जो है वो 125 ईयर्स की, यस वो आती हैं अपनी बेटी के साथ, जो उनकी बेटी भी जो है वो 70, 75, 80 ईयर्स की है। और ओ वो एक मार्केट में जो कट पीस होते हैं, कपड़े होते हैं जो लोग वेस्ट कर देते हैं, बड़े बड़े हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ईयर्स एग्जैक्टली ओल्ड बड़ी अच्छा बड़ी कंपनी जो उनको खत्म फेंक देती है या गार्बेज में डाल देती होंगी, या वो कंपनीज जो इनको डोनेट करती होंगी, वो उनसे अपने घर का खर्चा पूरा चलाती हैं वो। और एक और खातून इसी तरह से है, वो भी काफी उम्र रसीदा हाँ है, और वो खाना बना हाँ करके उसी बाजार में ला लेकर आके जितने भी बड़े जो बैठे होते हैं दुकानदार, उनको वहीं पर खाना प्रोवाइड करते हैं और अपने फैमिलीज को चला रहे हैं। तो ये वो लोग हैं। अच्छा, हेल्थ देखिए, जितनी भी बड़ी उम्र हो, परवरदिगार का शुक्र एहसान अदा करें, कभी अपनी उम्र को ना छुपाएं। अच्छा, ये ये बात अल्लाह की समझ नहीं नेमत है, आती ये है। अल्लाह मैं की नेमत है जी। बेशक मैं हाँ बताऊंगा क्यों समझ में नहीं हाँ आती, देखे नहीं, एक बात और समझ क्योंकि में ये नहीं अल्लाह आती। की इतनी बड़ी नेमत है आपकी उम्र, उसका शुक्र अदा करें कि आप जी रहे। अरे भाई, जिंदगी दी है और इतनी लंबी हाँ उम्र दी है, ये नाशुक्री है कि अगर आप अपनी उम्र को छुपाते हैं, फख्र से बताएं कि मैं इतने साल का हो गया हूं। ये अल्लाह ताला भी खुश होगा तो होता है और होगा, क्योंकि आपने उसका शुक्र अदा किया उस जिंदगी का जो उसने दी, और इस जिंदगी उसकी नेमत है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें एंड कीप जी अहमद, वर्किंग एक बहुत मजे की बात, फोर आउट। हंड्रेड पाउंड क्या चीज है और हाँ क्या हुआ उसके साथ, हम शेयर करेंगे। पहले हम कॉल लेंगे। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू, अस्सलाम वालेकुम, यू आर इन टी टॉक। वालेकुम सलाम खालिद अजीज। खालिद जी कह अजीज रहे हैं साहब, आप जुबैर खोकर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया जनाब जनाब, जी। कैसे मिजाज है आपके? सब लोग खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? आप बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल, का शुक्र। ये बताइए कि कौन सी चाय पी रहे हैं आप सब? वो चाय पी रहा हूँ, वो क्या आपकी जो ये जो है ना आपकी हाँ, टीम ऑफ टू वाली चाय। अच्छा भाई, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस, अच्छा, अभी आप ये कुछ उम्र शुमर के बारे में बता रहे थे कि बेसिक उम्र जो है अपनी छुपानी नहीं चाहिए, बिल जी जी ये तो उसपे मुझे वो मेरा एक शेर याद आ रहा है हाँ कि हो गया 60 का बेगम का शक नहीं जाता, हाँ हो अच्छा गया 60 का बेगम का शक नहीं जाता, जो पहले दिन से हुआ आज तक नहीं जाता, अब मैं हसीनों को बस दूर ही से देखता हूं, अच्छा इस कदर खौफ है कि पास तक नहीं क्या जाता। बात है जी साहब, यानी क्या बात कुछ तो काम आया ना उनके। अच्छा जाफरी साहब, आजकल ये बड़ा चर्चा है कि ये मकानों की कीमतें जो है रियल एस्टेट में इतनी क्यों आसमान पे चढ़ गई हैं, ठीक है ना? हाँ जी 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 तो अब चक्कर ये है कि कल एक टीवी चैनल के एक होस्ट ने मुझसे पूछा था कि जी भाई ये दंगल कब खत्म हो रहा है, हाँ तो मैंने उसका जवाब दिया था कि ये दंगल जो है, एक मुझे स्लोगन याद आ रहा है कि घबराना नहीं है, हाँ ठीक है ना, टीम पे चढ़िए, घबराना नहीं है, हाँ क्योंकि ये तलब और रसद, तलब का मतलब होता है आजकल बिल्कुल लोगों की भूख की बिल्कुल, हम लोगों की, सप्लाई डिमांड, ये हाँ, सप्लाई एंड डिमांड से ये मसला हल होता है। हाँ ये कीमतें जो फिक्स होती हैं सप्लाई और डिमांड के, जहां पर ये आके मिलती है वहां से कीमत ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, बिल्कुल तो और जीरो की हमारे जिंदगी में बड़ी अहमियत है, अहमियत है। क्योंकि जीरो लगा दें तो लाख से मिलियन बन जाता है, हाँ ठीक बेशक है ना? बेशक बेशक, तो उसपे मैंने अभी अभी आपके प्रोग्राम के लिए कथा कहा है, ओ सुभान, क्या बात क्या बात है। माशाल्लाह। तो टीम ऑफ टू के लिए ये मकानों की कीमत पे कथा लिखा है, ये जी असल में शैला की आवाज अच्छी है, अगर ये गा के सुनाती तो ज्यादा अच्छा रहता, तो मैं कह देता हूँ अभी कहें तो अभी मैं गाने की प्रैक्टिस करूँ। जी, करें, बिल्कुल आप बिल्कुल करें, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम। अच्छा, इन द अगर मीन वो टाइम हमें वजीहा वजाहत ने पाकिस्तान से ज्वाइन कर लिया, माशाल्लाह जी, फरमाइए। अगर अगर समा खराशी हो लोगों की तो माजत खाऊंगे नहीं 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 संगम। नहीं 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 ऐसा नहीं अरे अरे, क्या होगा। बात है, आपकी बड़ी प्यारी आवाज है। तो वो अर्ज किया मैंने कि हैरान ना हो कीमतों, हैरान ना हो कीमतों,
नेमतें क्यों बढ़ गई हद से, हैरान न हो कीमतें क्यों बढ़ गई हद से। अरे कीमत का ताल्लुक है तलब और रसद से, कीमत का ताल्लुक है तलब और रसद से। वेरी नाइस। और जो घर कभी हम सब ने चंद लाखों में लिया था, जो घर कभी हम सब ने चंद लाखों में लिया था, मिलियन से तजावुज किया जीरो की मदद। क्या बात है, क्या बात है। देखा सर, ये हमारे रियल स्टेट। तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम तो जीरो हो गए? उनको पता नहीं कि जीरो की अहमियत क्या है। अगर जीरो ना हो तो मिलियन नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। एक जीरो लगाने से जो है मसला वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो चाय कैसी है आपकी, मजेदार है? जबरदस्त जबरदस्त। नहीं मैं तो बिल्कुल बिल्कुल फीकी चाय पीता हूँ, अगर शहद मिल जाए तो ठीक है। और अगर वो शहला उसमें घुमा देंगी उंगली तो वो तो वैसे ही नहीं, इनके इशारे से भी मीठी हो जाती है। इशारे समझने लगे हैं अब ये मैं। अरे सर, इन्हीं के इशारों पे नाच रहा हूँ मैं। नाचते रहे, किसी में कामयाबी है। बिल्कुल। अच्छा, बेहतर यही है कि नाचते रहना चाहिए। आज मैं बहुत जी बोलिए बोलिए। बल्कि वो अपना ये मैं एक कुछ रियल एस्टेट के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। जी जी, वो जनाब डिटैच होम लोग बड़े शौक से लेते हैं। जी हाँ, डिटैच होम और टाउन होम बहुत शौक से लेते हैं, आपको तो पता ही है। जी बेशक, जी जी। ओल्ड होना चाहिए जिसमें फीस नहीं होनी चाहिए और डिटैच होना चाहिए। बिल्कुल। तो जनाब हमारे पास प्रोजेक्ट, हम मार्कम में डिटैच होम मौजूद है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो आपको कॉल कर लें। बेशक। और टाउन होम्स हम लोग बुक कर रहे हैं बिटवी में। अच्छा माशाल्लाह। और लोग असल में वेस्ट में जो लोग रहते हैं उनको आइडिया नहीं है कि ईस्ट की वैल्यू क्या हो गई है। बहुत ज्यादा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। पहले लोग जो भी कहते हैं यार वेस्ट में लेना है, ये वेस्ट में लेना है, मुझे मिसिसागा में करा दो, मिल्टन में करा दो, इवन बर्लिंगटन में करा दो, लेकिन ईस्ट में नहीं जाना भाई। क्यों नहीं जाना, ठीक है ना? हाँ। तो मैं लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अब ईस्ट में बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है, हो भी रही है, और यूनिवर्सिटी बन गई ना, मानी कि ओशावा में तो यूनिवर्सिटी बन गई। जी जी बिल्कुल। तो यू नो ओशावा में यूनिवर्सिटी है, स्कारबरो में यूनिवर्सिटी। जी जी जी। यूनिवर्सिटी के अलावा मैं बता रहा हूँ, देखिये जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वहाँ लोग उस तरफ जाते हैं। बेशक बेशक। तो पहले सिर्फ वेस्ट में थी, जी रिसेंटली आपने सुना होगा, शायद आपको मालूम होगी, यहाँ पर दुर्हम लाइव बन रहा है। हाँ, ड्रीम लाइव, यस यस यस, बन रहा है जिसमें नया जबरदस्त कैसीनो बन रहा है। हाँ। ये दुर्हम लाइव जो है, ये अगर कोई फर्ज करे अमेरिका से आ रहा है तो नियाग्रा के बाद फर्स्ट एंटरटेनमेंट स्पॉट हो गया। वंडरफुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, नया कैसीनो बन रहा है, 5-star होटल बन रहे हैं, वाटर पार्क बन रहे हैं, फिल्म स्टूडियोज बन रहे हैं, रिटेल बन रहे हैं, कॉन्डोमिनियम बन रहे हैं। तो यहाँ आपको थाउजेंड ऑफ जॉब जो है वो यहाँ पर निकल रही है। बेशक बेशक। नंबर टू, एजेक्स में अमेज़न ने अपना वेयर हाउस बना दिया है। हाँ, इस वेयर हाउस में कम से कम भी 1,000 जॉब्स निकल रही है। मोर देन दैट, देखिए मोर देन दैट, देखिए जी बेशक। अगर इतनी जॉब यहाँ पे निकल रही है, फिर जीएम मोटर्स जो है ओशावा में वो काम शुरू कर रहा है, तो वहाँ पे भी 1,000-1,500 जॉब। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं ये अमेज़न में और इन सब एरिया में, तो ईस्ट में बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ गई, तो प्राइसेस अभी भी कंपैरेटिवली कम है। बेशक। बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो कॉल करें, और इंशाल्लाह ताला उनकी मर्जी के मुताबिक हर काम होगा प्रॉपरली। आपका शुक्रिया कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी हमारे सारे। जाते जाते आपका वक्त बड़ा कम है, आपका नहीं, 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 आपका वक्त। जाते जाते एक शेर सुना जाऊं? जी जरूर। कि वो बीवी के ऊपर बात हो रही थी कि उनके इशारे पे नाचते हैं, तो अपना ये जो है अपना क्या नाम है जाफी साहब के लिए एक शेर अर्ज है। ये नहीं, आपने कंफर्म कर दिया, थोड़ा सा इज्जत रख लीजिएगा। इसका इसका कथा है, इसका शेर है, शेर का उन्वान है, वन वाइफ हैप्पी लाइफ। तो उस पे मैंने कहा है कि बहुत शुक्रिया इस उन्वान का। हाँ,
पर गुजारा कीजिए। अच्छा जाफी साहब जी सुनिए, जी सुन रहा हूँ। हो सके तो एक बीवी पर गुजारा कीजिए और जो गलती हो चुकी है अपना दोबारा आखिर को अजीज दे दी दी दी, मेरे भाई आखिर अजीज साहब, मेरे भाई अजीज साहब अपने तजुर्बे से बता रहे को। जी बहुत मजा आया अजीज भाई, बहुत मजा बहुत आया, मजा आया बहुत आपका शामिल होना, माशाल्लाह इतने चार लाइवली चांद लगाना है। और इन्होंने जो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, आप लोग मुझे कॉल करें और अजीज साहब से मुलाकात, आपको मेरा वादा है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कहां से कहां ये रियल एस्टेट इन 30 इयर्स, मेरा अपना तजुर्बा है, मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जो के हैं इसी तरह से अजीज साहब के, कहां से कहां वो पहुंच चुके हैं। दिस इज द ओनली वे, द ओनली सिक्योरिटी इज रियल एस्टेट, राइट अजीज साहब? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फोन नंबर फॉर तमाम रियल एस्टेट मालूमात के लिए आप 416-704-0651 पे आप कॉल करें, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी और जहां जो चाहेंगे वो मिलेगा आपको। अच्छा एक बड़े मजे अच्छा, की खबर आई है, अली अली हाशमी साहब ने भी हमें अच्छा ज्वाइन किया। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू। एक्चुअली मैंने अच्छा ये बताएं आप वजीहा वजाहत बेटा, आप लोग कौन सी चाय पी रहे हैं? और इसी तरह से अली एस हाशमी साहब, यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक, लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ टी यू आर हैविंग। और अभी आपने भी मुझे नहीं बताया हीरा महमूद कि कौन सी चाय पी रही हैं आप और आपके घर वाले, इसी तरह फरद नसीब हो सकता है, देखें अतीफ फारूकी, व्हाट आर यू टेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ टी आर यू हैविंग विद अस। टी के ऊपर मैं एक बहुत खूबसूरत बात लेकर आई हूँ, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। हाँ। लेकिन उससे पहले मैं एक मजेदार बात करूंगी। जी फरमाइए। वो ये है कि 400 पाउंड की स्लाइड, 400 पाउंड उसका वेट था, अच्छा पार्क से उठाया और बेडरूम में सजाया। 400 पाउंड, हाँ वाह, देखें okay. कैसे क्रेन, आउटसाइड आउटडोर क्रेन, ये नहीं मुझे पता। हाँ। लेकिन देखिए मैंने क्रेन से नहीं उठाया house, उन्होंने आपने क्वेश्चन किया ना, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक घर बेचा था, आपको शायद याद होगा, मिसेस आगा में। हाँ। उनका फर्नीचर आया था वहां से, कहां से, सऊदी अरब से। हाँ। और बड़ा हैवी, बहुत हैवी फर्नीचर होता अच्छा, है मिडिल ईस्ट, ऊपर बेडरूम में पहुंचाना था। हाँ। ऊपर भी उनका जो है थर्ड सिटिंग एरिया, काफी बड़ा घर था। हाँ। वो थर्ड सिटिंग एरिया भी ऊपर के फ्लोर पे एक और था, तो कह लगे हमारा ये सारा फर्नीचर ऊपर, अब कहां कैसे जाए। तो बाकायदा वो विंडो को निकाला गया और क्रेन बुलाई गई और खेत से पूरा सामान उनका जो है वो ऊपर पहुंचाया गया था। अच्छा अब ये देखिए, तो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं सुनिए 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 अहमद, मजे की बात क्या है, देखिए हाँ? बात ये है कि बेडरूम पार्क से उठाया, बेडरूम में सजाया। हाँ। अब ये तो शायरी हो गई, अजीज साहब क्या आए हमारे साथ के हम बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अच्छे लोगों के नक्शे कदम पे चलना चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा अच्छा उन्होंने अटैच कर दिया अपने बेटे के बेडरूम में उसके बंक बेड के साथ। अच्छा अब उसको फिर उनको खैर उससे उन्होंने अटैच किया और वो पकड़े गए, बहरहाल जिस तरह भी पकड़े गए, पूरी डिटेल तो मैं अगर जाऊंगी मैं बहुत बड़ी डिटेल थी तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि देखें क्या क्या होता है। अच्छा के उन अब उनको जब फिर ट्वीट किया लोगों ने इस बारे में, जब ये खबर लगी ऑनलाइन तो फिर लोगों ने ट्वीट किया, तो उसमें किसी ने कहा कि ये बहुत सीरियस क्राइम कोई करने जा रहे होंगे, ये उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया है। और अच्छा हुआ कि फिर कई लोगों ने ये कहा कि ट्वीट ये किया कि अच्छा हुआ कि वो पकड़े गए, उन्होंने अपने बेटे की मोहब्बत में किया या वो कोई तजुर्बा करना चाह रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये This is something really all kind of people, some हाँ, are crazy. अच्छा एक ये ट्रेवल इंडस्ट्री में भी तरह तरह के वाकयात और हादसात और चीजें होती हैं। तो कोई एयरलाइन पे, नॉर्थ अमेरिका की एक एयरलाइन पे ना, लोग जब चढ़े बैठे तो एकदम से ना लोगों को ना साल्टिश फील होने लगा। अच्छा हाँ, टेस्ट, मुंह में टेस्ट आने लगा। अच्छा, ना साल्टिश। अच्छा तो हुआ ये कि कोई और पैसेंजर थे, उन्होंने पेपर स्प्रे रखा हुआ था। अब पता नहीं क्यों रखा हुआ था उन्होंने पेपर स्प्रे रखा हुआ था और वो उनकी की के जो की चेन था ना उससे वो हिट होके ना वो खुल गया। ओह गॉड। तो तमाम कुछ बहुत सारे पैसेंजर तो कुछ इतने डर गए कि उन्होंने मास्क लगाना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है फिजा में।
ओह माय गॉडनेस, तो आई या तो मीन कोई वो सीक्रेट एजेंट रहे होंगे जो नहीं, मैंने सुना है कि सफर कर रहे कुछ होंगे। लोग जो हैं, जब हो सकता है कुछ इलाके ऐसे हों कि जहां उनको रखना पड़ता हो आई अपनी डोंट नो। सेफ्टी के लिए। अब ये तो आप लोग खुद जाके ऑनलाइन और इन्फॉर्मेशन लें तो आपको मजा आएगा। अच्छा, एक और खबर, मजे की खबर की बातें चल रही है ना, तो एक खबर है कि कैलिफोर्निया वुमेन के न्यू आईडी फोटो जो थी ना, वो आनी थी, वो उन्होंने कोई कंपनी ज्वाइन की थी, तो एम्प्लॉयज का जो कार्ड बनता है ना अहमद, हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि वो उसके लिए फोटो खिंचाने गई और वहाँ लाइन लगी थी, जितने लोगों को भी हायर किया था उनकी लाइन थी, और जब उनकी बारी आई वो कर्टन के सामने आई जहाँ से जहाँ तस्वीर खींचनी थी, तो मास्क तो लगा हुआ था ना, तो अब वो उन्होंने मास्क नहीं उतारा कि जब ये कहेंगे तो मैं मास्क उतारूंगी, तो एकदम से जो था ना उन्होंने के यू आर रेडी फॉर पिक्चर और क्लिक हो गया। ओ अब जब उनकी आईडी बनकर आई तो वो मास्क की फोटो की आईडी थी, अच्छा लेकिन मुझे ये बताएं कि मास्क की फोटो आईडी से कैसे पहचान होगी, देखिए, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो हाँ चुकी है कि हाँ बड़ी बड़ी हिडन चीजों को वो हाँ फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ लेकिन मैं ये कह रही हूं कि देखें, जो लोग यूरोप में भी इसका बहुत वो हो गया है, स्पेशली फ्रांस में जो लोग नकाब करते हैं पर्दे के तौर पे, वो बिल्कुल इलीगल कह दिया गया है उसको, लेकिन ये जो मास्क आ गया है वो इलीगल इसलिए कहा उन्होंने कि भाई पहचान नहीं होती, नहीं होती तो अब ये इस तरह कैसे पहचान होगी? अब वो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी तो फिर वहां भी टेक्नोलॉजी यूज हो है। सकती अच्छा, आपको है। मालूम है कि वो अभी अभी नेदरलैंड ने या शायद हॉलैंड ने ऑल्सो ऑस्ट्राजेनिका को जी जी डिसकंटिन्यू कर दिया। जी अहमद, और मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि इसकी ओके। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बादर कर रही हैं, जो लोग बात कर रहे हैं अब, लेकिन मुझे ये आई एम श्योर कि हुकूमत यानी कि कनेडियन हुकूमत जो है यहाँ तो कंटिन्यू कोई है। गलत काम नहीं नहीं, ऑफ करेगी कोर्स पब्लिक नॉट, के या साथ, नो। और इंशाल्लाह एवरीवन विल बी सेफ, हाँ ठीक है बिल्कुल, ना? इंशाल्लाह। अच्छा अहमद, एक हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हाँ हैं, लेकिन श्योर। उससे पहले मैं बता दूं कि देखें हमारे जो स्पॉन्सर हैं इंडिया बाजार फ्रेश पिक, आप वहां जाना ना भूलें, अगर आप जा सकते हैं, नियर बाय हैं, उनकी दो लोकेशन है, एक ब्रैम्पटन में सैंडलवुड एंड कैनेडी के इंटरसेक्शन पे, 10405 कैनेडी रोड नॉर्थ, सेल्फ कंटेन बिल्डिंग, जबरदस्त सेटअप, रेस्टोरेंट, खाना पीना, मिठाइयाँ फ्रेश वहीं पर बन रही होती हैं, आपको नजर आएंगी, और दुनिया के कई मुल्कों से वहां पर सब्जी और फ्रूट आते हैं, विच इज माई फेवरेट सेक्शन, और इसके अलावा जो है वहाँ तमाम ग्रोसरी आपको मिलेगी, और वो लोग होलसेल और रिटेल दोनों करते हैं ग्रोसरी का, आप जाएं, और पेंडेमिक का सेफ्टी प्रिकॉशंस उन्होंने पूरे लिए हुए। अच्छा, और उनका फोन नंबर 9058400116। और अब हम जाते हैं अपनी ब्रेक की ब्रेक जाने, से फिर पहले वापस आएंगे। मैं बहुत अच्छी एक हमें बहुत शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, अब्दुल मुनाफ शेख साहब ज्वाइन कर चुके हैं, और ये वेलकम। मेरे जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे ये मुझसे 1 साल सीनियर थे, और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा पाकिस्तान के लिए काम किया है। आप वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी जो है इंजीनियरिंग की एनईडी में आप इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, और सऊदी अरब ने में भी आपने बहुत कारनामे अंजाम दिए हैं और इंस्टीट्यूशन वगैरह को का क़याम किया है। और अभी चंद साल पहले मेरी बड़ी खुशनसीबी थी कि इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो अब्दुल मुनाफ शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त जो है वो देख रहा हूँ मैं, और अगर आप कॉल करना चाहें मैं स्टूडियो में 6472732393 पे आप कॉल कर सकते वी हैं थ्रू आर ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, यस, यस, एंड ओके, ऑल्सो आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कोई छोटा सा अच्छा सा पैगाम देना चाहें मुनाफ साहब, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप हमारे शो में इस वक्त हमारे शो को देख रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू, और इसके साथ साथ सैयद हुसैन साहब ने भी हमें अभी 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 ज्वाइन किया है। तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की ओर और फिर वापस आते हैं। जी इट्स बिल्कुल। जस्ट वी विल बी राइट बैक। Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jaffrey. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate ki duniya mein ek aisa naam jo aapke ghar ke sapne ko haqeeqat mein badalne mein kadam kadam aapke saath. Call Ahmed and Shahla Jaffrey
416-704-0651. Buying a house? जी अच्छा जी जी अहमद अच्छा दूसरे हम बताएंगे संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म आप टैक्स टाइम है अकाउंटिंग के लिहाज से आपको कोई काम भी कराना है कॉरपोरेशन है बिजनेस है पर्सनल टैक्सेस हैं आप संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म को कॉल कर सकते हैं 905-790-8885 और कहीं भी हैं आप कहीं भी दे आर इन ब्रैम्पटन लेकिन कहीं भी हैं आप वो आपको आपके टैक्सेस और हर तरह से इस तरह से आपकी मदद करेंगे अच्छा अहमद देखें 20 million pounds ऑफ चीज राइट सोच सकते हैं आप हाँ सिर्फ आप 20 चूहों को छोड़ दीजिए खा जाएंगे 20 million pounds जो है ना मतलब जस्ट कह रहे हैं कि वो जो बड़े से राउंड जो हाँ बनती है हाँ. वो I think 1.7 million से एक प्ले ग्राउंड को अच्छा कवर कर सकते हैं इतनी चीज खाई जा सकती है और जाती है फार्मर का कहना है फार्मर्स का कहना है क्योंकि वो जो सुपर बोल उनका जब हाँ, होता है ना हाँ. तो उसके ऊपर ये कहा जाता है कि लोग हम ये 2-3 दिन पहले की खबर है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 million pound चीज जो है ना वो लोग खाएंगे वाह मकसद डिशेस जो भी मिल रही होंगी जहां हाँ, भी होगा लोग yes. सेलिब्रेट करेंगे घर पे रेस्टोरेंट से मोस्टली टेक आउट मैक्रोनी कराएंगे स्पेगेटी के चीज की डिशेस जो है ना साथ, मतलब हाँ, इतनी पिज्जा तो फिर बाकी यू अच्छा नो फिर पिज्जा कितना खाया जाता होगा बहुत खाया जाता है पिज्जा विंग्स कितने खाए अरे यार जाते पिज्जे पे होंगे बात याद आई कि शैला जी बहुत दिन हो गए यार पिज्जा नहीं खाया तो ये टी टॉक में बात कोई कर रहे बात हैं नहीं आप टी टॉक टी के साथ पिज्जा हम देखें भाई मैं तो अवॉइड करती हूँ मैं अच्छा चाहती हूँ कि हम बाहर से खाना ना मंगाएं यार तो आप बनाए ना फिर पिज्जा पिज्जा वैसे मुझे नहीं आता बनाना लोग बनाते हैं घर में हमारे साहबजादे हैं एहसन साहब हाँ हाँ, क्या हमारे पिज्जा बच्चे बनाते हैं वो बनाते लोग हैं राइट लेकिन मैं नहीं बना एक पिज्जा बोर्ड नहीं दी बना मिसेस मिल अच्छा करके आज मैं पिज्जा बताऊँ एक जर्दा नहीं बना सकती मैंने आज तक जर्दा नहीं और बनाया मुझे समझ में नहीं आता रेसिपी पूछती हूँ दोस्तों मैं बताऊं कि मुझे जर्दा बहुत पसंद है खिला दे यार आप लोग ही खिला चले अब आप ऑर्डर देना शुरू कर दें क्योंकि मुझे जर्दा पता कैसे पसंद है जर्दे पे मुझे याद है कि हम पाकिस्तान में अम्मी जान जब हयात थे अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह था फरमाया रब्बुल इज्जत और जिनके भी वालदैन अगर इस दुनिया में नहीं है उन सब के लिए मेरी दुआ है कि उन सबको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन मैं बताऊं कि वो अम्मी जान जो थी वो जर्दा और उसके ऊपर हमारे यहाँ दूध आता था उसको पका के बलाई बनाती थी उसके अलावा भी वो बलाई हमारे यहाँ सप्लाई भी आती थी बलाई भी आती थी तो वो गाढ़ी गाढ़ी बलाई उसके ऊपर जर्दे पे और फिर वो मैं ऐसा शौक से खाता था और अम्मी स्पेशली मेरे लिए अक्सर बनाती थी कि उनको उनको पता था कि अच्छा मुझे दो चीज़ें पसंद अहमद हैं पुलाव लोगों को अक्सर बिरयानी पसंद है ये मुझे पुलाव ऑर्डर दे रहे हैं आप पसंद लोगों को यार सब मुझे कहने दीजिए कोई कोई ना मेहरबानी ना हो कोई तो जाएगी खिलाएगा और क्या अभी हीरा महमूद साहब अभी देख रही है हमें पता है कि वो और भी इतनी बहुत से लोग करीब देख रहे हैं वजिया वजाहत देख रहे हैं अच्छा अगर राइट तो हम वो बलाई और वो जर्दा अब तक मुझे याद है तो मैं खामोश रहता हूँ कभी अब से शैला जी लेकिन एक कहाँ मजे की बात बताऊं ये इस वक्त ऐसी बातें कर रहे हैं है लेकिन जब ये कल ये हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं उनसे बात कर रहे थे और उनसे कहने लगे भाभी मुझे आपके हाथ की दाल बहुत याद आ रही है तो मुझे पीछे से गुस्सा आ रहा था कि ये फरमाइश भी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि दाल याद आ रही दालें तो मैं आपको हर तरह की पका खिला सकती हूँ मसाले डाले और चढ़ा दिए भाई कोई फरमाइश करें तो कुछ अच्छी फरमाइश कर तो करें दिए अभी लेकिन अब देखें कि कौन वो भाभी तो बेचारी खिलाएंगे आपको कौसर भाभी आपको हर कुछ खिलाएंगे जो आप फरमाइश करेंगे जरूर लेकिन ये तो कहाँ कहाँ से लोग कैसे किस तरह लाएंगे तो बहरहाल जिसने सुन लिया है जो ला सकता है अहमद की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए और नहीं, उनको थैंक उनकी यू सो दावत मच की नहीं, आई एम जाए जस्ट किडिंग, थैंक यू वेरी मच आप क्यों लोग खाएं किडिंग क्यों है एंजॉय अहमद करें क्यों नहीं किडिंग क्यों है भाई नहीं अहमद नहीं इट्स हो ओके हाँ सकता है कि आपकी दावत हो ही हो जाए जाए उड़ के आ जाए जरूर दावत जरूर जरूर तो बहरहाल लिस्ट दे दी है अहमद ने अब आप लोग सब काम में लग जाएं अच्छा एक आप कुछ अगर मैं फिर बात करूंगी अथर जाफरी वो अच्छा भी रीमैक्स माशाल्लाह रियल एस्टेट सेंटर में है और वेरी यंग एंड एनर्जेटिक
और तमाम रियल इस्टेट के मामलात को के लिए आपके साथ हाजिर हैं। उनका फ़ोन नंबर है 6472089724। अच्छा, जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा और हम कुछ ऐसे जोन में आएंगे तो फैशन क्रेज ये कहते हैं कि हम बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शन पेश करेंगे आपको मेंस एंड लेडीज वेयर की, और उसके बाद हो सकता है कि वो ऑर्डर भी ले लें। शेरवानियों की जबरदस्त कलेक्शन है। 6477040364 उनका नंबर है। अच्छा अहमद, मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये खबर तो शेयर कर ली है, 400 पाउंड का स्लाइड जो है वो कमरे में बेडरूम में ले आए। अब ऐसा ना हो कि तमाम चारों तरफ पार्क्स में ताले लगाए जाएं और जालियां लगाई जाएं कि लोग कुछ उठा के ना लेके जाएं। बेशक बेशक। अच्छा, लेकिन संजय वर्मा के लिए आप क्या कहेंगी? जी, संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म के लिए मैंने बताया। अच्छा, उनका नंबर 9057908885। अच्छा, मोहसिन वाटू, ये बड़ा जबरदस्त एक वन स्टॉप शॉपिंग है इनके पास, और जिसको कहते हैं ना हरफन मौला भी मैं कहूंगी, कि वो बिजनेस के लिहाज से हरफन मौला है। वो RESP, RRSP और लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज, जो भी इस आपको चाहिए वन स्टॉप, यानी कि हर चीज चाहिए तब भी आप उन्हीं के पास जा सकते हैं। उनका फोन नंबर है 4165006322। कोई भी नंबर अगर आप भूल जाते हैं ना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अहमद अंशाला जाफरी को, 4167040651 पे। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, उनका नंबर ले सकते हैं। तो आप एक ही नंबर लिख लें ताकि अगर कुछ रह जाता है तो 4167040651 जरूर आप इस पे कॉल करके हमें। वसीम अहमद साहब ने ज्वाइन किया हुआ है अभी, वेलकम टू शो टीम ऑफ टू, और जितने लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया उन सबको हम एक दफा फिर वेलकम करते हैं। हमारी कॉल ऑन हो गई है और हम देखते हैं कि कौन है कॉल पे हमारे साथ। वेलकम टू टी टॉक विद अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शैला कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नसरीन बात कर रही हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नसरीन बात कर रही हूँ। वालेकुम भाभी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मेरे प्यारे भाई? अब बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यारी बहन, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इतनी बड़ी शख्सियत और हमारे शो में माशाल्लाह, जो कि सोनी धरती कौन नहीं जानता। थैंक यू थैंक यू। बस दिल चाह रहा था आप लोगों को देखा तो मैंने कहा मैं भी सलाम दुआ कर लूं। बहुत जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपका सलाम दुआ करने का। आप आए बाहर आए आजकल शैला बाहर जाना मन है। बाहर आए बाहर नहीं आए, बाहर आई। ओ बाहर आई, बेशक। थैंक यू मेरी जान जी। अभी जी जी, और कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि कौन सी चाय पी रही है? ये टी टॉक पे हैं आप? ये बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने पहले ही देख लिया था, बिस्मिल्लाह। अच्छा चले, एंजॉय दोनों के लिए। अच्छा जी, फरमाइए फरमाइए। बहुत वैसे अहमद भाई और शैला, आप लोग पहले दिन से ही आप लोग ना, जैसे हम लोग मिले हैं जी, और आज तक अल्लाह पाक ने हम पे अपना कर्म रखा, फजल किया, और हमेशा ही ऐसे मिलते रहे। आमीन सुब्ह आमीन। आप लोगों को मैंने पिछले हफ्ते अचानक ही मैंने देखा तो मैंने कहा वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम किया शैला ने, बैठे बैठे धमाका कर देती है ये। नहीं नहीं, आप लोगों को फॉलो करते हैं भाई, आप लोग हमारे जो है ना, एक हम आपसे सब कुछ सीख सा के हम आगे चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। मैं बताऊं आप लोगों को कि नसरीन चौधरी, प्रोड्यूसर्स ऑफ सोनी धरती पाकिस्तान, जो कि उस वक्त यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं होता नहीं, था, नहीं, शी वाज द फर्स्ट वन, और बहुत इंजॉय करते थे, सिटी टीवी पे इनका ये प्रोग्राम आता था, और इवन मेरे पेरेंट्स आए थे, उन्होंने तो उन्होंने भी ये प्रोग्राम देखना शुरू किया था। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कम्युनिटी को इतने अरसे सर्व किया नसरीन, बहुत हिम्मत की बात है, और क्या कहना चाहिए, बहुत जज्बे की बात है कि पाकिस्तानी प्रोग्राम आप लेकर आई जी। कोई अच्छी सी छोटी सी बात बिल्कुल आपका, में जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अच्छा, छोटी सी बात, मेरी आप लोगों को पता कितनी मशहूर हो गई थी,
अच्छा बस प्रोग्राम की जान थी वो बात। हाँ बेसिकली मेरे ख्याल में आजकल के हिसाब से जो कुछ हो रहा है दुनिया में हाँ उसपे तो लंबी बहस है, लेकिन वो बहस करने को कोई फायदा नहीं। जी 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 बिल्कुल। मैं सिर्फ मैं एक बात, जी मैं एक बात कहूंगी कि सिर्फ कि देखिए हम लोग यहाँ पे और पहले भी इतनी मेहनत की, सब कुछ किए, आप लोग एक जमाने से लगे हुए, जी और आपके बाद आने वाले या मेरे बाद आने वाले कहाँ से कहाँ भी निकल गए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता नहीं शैला और अहमद भाई, हमारे लोगों में वो चीज थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाती अरे है। अब आप लोग जो हैं या हम लोग जो हैं, हमें एक चीज को पेश करने के लिए ना मुझे 4 दिन लगते थे प्रोग्राम बनाने, हाँ बेशक होमवर्क करना पड़ता जी था, जी बिल्कुल फिर बिल्कुल उसको देखना पड़ता था, और उसके बाद नईम की डांट मेरे पीछे रहती थी। जी देख लें उनका एक बिल्कुल मखसूस अंदाज होता था कि कोई चीज मैंने गलत बोल दी है या मैंने जल्दी में कह दी है, तो उनका सर जो ऐसा हिलता था ना, मेरे मेरे वहीं पसीने आ जाते थे। मेरा भी सर हिल जाता है कभी कभी, कोई छोटी मोटी इधर से उधर जनाब अहमद कमाल जाफरी साहब ने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत एक्चुअली शुक्रिया। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू। एक्चुअली नसरीन, मैं आपको बताऊं, देखिए कि अगर इंसान के दिल में जब भी वो कोई काम करता है वेरी ऑनेस्टी और सच्चे जज्बे के साथ करता है ना, तो वो उसमें परफेक्शन आ ही जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल आप सही कहा आपने, सिर्फ एक कंपटीशन में जाने के लिए एक लाइन में बड़ी खड़े अच्छी हो बात की जाएं आपने। आप यस कि मुझे भी इस लाइन में खड़े होना है, अगर कुछ किसी को कोई कामयाबी हो रही है या कोई एक अच्छी चीज अच्छा काम कर रहा है, तो देखिए कि जरूरी नहीं है कि जो भी लाइन में खड़ा हो वो उस चीज को उस तरह से परफॉर्म कर सके। तो ये आपने बिल्कुल बड़ी सही कहा एक आपने। ऐसी बात की है कि वाकई हमें ये चाहिए कि हम, इंक्लूडिंग मी एंड अहमद, हम वो काम करें जो हम रियली दिल से करना चाहते हैं। हम किसी से मुकाबले में नहीं करना चाहते, हम कोई कंपटीशन में आके सबसे ऊपर जाने के लिए नहीं करना चाहते। और इसीलिए देखिए कि आपके आज तक आप भी इसी तरह से चलती रहीं, कितने अरसे आपने काम किया। और मैं और अहमद जो है ना, वो हम ये नहीं देखते कौन क्या कर रहा है, हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना है। और शैला जब ये मैं यहाँ आई ना, जी, आप मुझे बात दीदी आप करिए, फरमाइए आप फरमाइए। जी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो मेरा चूंकि थोड़ा सा पाकिस्तान रेडियो से भी मैं मुंसलिक रही, पाकिस्तान में जी बच्चों के जी प्रोग्राम जी में, जी सहेल भाई के प्रोग्राम में साथ रही, उनके साथ भी काम किया, फिर पाकिस्तान टेलीविजन में मैंने जब न्यूज रीडर के तौर पर मैं आई, तो उसके बाद मैं 3 महीने के बाद मेरी शादी हुई। अच्छा वेरी लेकिन नाइस। ये एक है कि वहां का जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रेडियो पाकिस्तान का था या थोड़ा सा टीवी का, और थोड़ा सा मैं सूर्या भजिया के साथ बैठ के काम करती थी, ओ अच्छा अच्छा। जी जी मेरे जहन में ना वो चीजें थी। जब मैं यहाँ आई तो मैंने सबसे पहले शहताज आपा को देखा बोलते हुए, तो अच्छा अल्लाह पाक को सेहत से हूँ, और अल्लाह पाक ने बिल्कुल मेरा ठीक अल्लाह है पाक ने माशाल्लाह बहुत बिल्कुल ठीक है वो। बहुत पुरखलूस लेडी थी, और वो बिल्कुल सादा अंदाज में बोलती थी। तो मैंने कहा यार ये हमें भी करना चाहिए यहाँ पे। तो बिल्कुल मैंने नईम से बात की, नईम भी अपने जमाने के प्रोड्यूसर थे पाकिस्तान टेलीविजन से, जी तो जी कहते कि यार अच्छी बातें करते हैं। तो वो बहुत दिन ओके, लेकिन मैंने शहताज आपा को जिस तरह तहम्मुल से और वो सब्र से बोलना देखा ना देखिए आपको, मैं तो मुझे नसरीन साहिबा की बात को इस तरह और आगे बढ़ाऊंगी कि शहताज आपा ये कह रही हैं सबीउद्दीन मंसूर, जो कि जिन्होंने जी बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल पाकिस्तानी मैगजीन और न्यूज़पेपर बड़ा दोनों ही थे पॉपुलर वो, उन्होंने निकाले, और इट वाज अ ट्रू उर्दू न्यूज़पेपर, इट वाज अ बिल्कुल ट्रू। बिल्कुल सही और जो कि बहुत ईमानदारी से वो भी काम करते थे, नसरीन, मैंने उनके साथ काम किया है, उनके साथ हमने बिल्कुल काफी, तो वो जिस तरह से वो मुझसे कहते थे, शैला तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम्हें कोई सिला देगा इसका? मैंने कहा कि सभी भाई, मैं सिला मुझे ये चाहिए कि मेरी कम्युनिटी स्ट्रांग हो जाए यहाँ पर, काम हो जाए, बिल्कुल है सही ना? कहा। तो लेकिन इतना शायद खुश फिर हुए। भी वो टाइम फिर भी बहुत अच्छा था, मिलने जुलने का था, सही है एक सही है। इंशाल्लाह एहसास का था, इंशाल्लाह आज एहसास का था। आप ये बातें कर रहे हैं इंशाल्लाह ना, ये रहेगी, टाइम आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे पास एक चीज है, मैं एक छोटी सी बात है समझ ले, मेरी अपनी फीलिंग है जी फरमाइए कि
बड़ी बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि जी फातिया लोगों के मरने पर नहीं, फातिया लोगों लोगों के के मरने मरने पर पर नहीं, नहीं। एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, आहा जबरदस्त, क्योंकि क्योंकि लोग जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो माशरा मर जाता है। माशरा अल्लाह मर अकबर, जाता बहुत है। क्या बात है क्या नसरीन साहब। बात है भाई नसरीन, वी लव यू, वी लव यू। और आप ये इसके लिए लव प्लेटफॉर्म यू नसीन टू मेरी साहब, ये जान, प्लेटफॉर्म आपके लिए है, लेकिन कभी भी आपको ये प्लेटफॉर्म आप, ये आपका है, एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सो लोग की मच, मोहब्बतें हमेशा से मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक रहेंगी। इंशाल्लाह। हमने और आपने हमेशा मिलके काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने शैला को देखा, चाय अच्छा का कप लिए हुए और बड़े आराम से सलाम भी हो रहे हैं। मैंने कहा पुराना जमाने नहीं, बहुत हमारे लिए शुक्रिया, अच्छा बहुत, लगा। आपने हमारा तो इतना हौसला बढ़ा दिया कि आप लोग, यू नो, दे आर द पायनियर्स एंड द सीन, ये बिल्कुल, लोग बहुत अच्छा हैं लगा, कि बहुत हमारी कम्युनिटी को लेकर के आगे बढ़ाने में मुश्किलात उनका उठा बहुत के। बड़ा हाथ जी है, बिल्कुल नसीर बिल्कुल साहबा का। जी, बहुत मजा बस आया अपने नसरीन। अंदर अपने अंदर एहसास होना चाहिए। एक एहसास ही की बात है, मैंने शायरा को देखा तो मुझे मैंने कहा भाई सलाम दो करनी जरूर चाहिए। जैस जरूर जब पेंडेमिक खत्म हो जाएगा ना तो हम आपको स्टूडियो में बुलाएंगे, फिर इंशाल्लाह आमने इंशाल्लाह सामने फिर सब बैठ के बातें करेंगे, इंशाल्लाह तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ताला, क्योंकि ये बीच में ही रह गया सारा प्रोसेस हमारा, और अरे हमने इंशाल्लाह फिर बात होती है। मेरी तरफ से तमाम मेरर्स को, तमाम लिसनर को सलाम, दुआ, ढेरों दुआएं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू बहुत वेरी जरूर, मच इंशाल्लाह, और नसरीन, रेगुलर बेसिस पे होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इन इंशाल्लाह शाह इंशाल्लाह। जजाकअल्लाह खैर, मेरे बहुत लायक शुक्रिया। कोई खिदमत हो तो बताइएगा, और आप तो बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह साथ जैसा कि मैंने दे कहा, ये प्लेटफॉर्म आपका है, बस बाकी बात रहे बहुत मजा आया, बहुत हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और चाय के इस आखिरी घूंट के साथ थैंक यू सो बिल्कुल मच, बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। हाफिज, थैंक यू सो मच। अच्छा नसरीन, बहुत फिर से शुक्रिया अदा करूंगी इनका कि हमारे साथ शामिल हुई, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह बहुत प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ शामिल होते रहेंगे, और बहुत मेहनत करने वाले लोग थे ये लोग, और इन लोगों ने हमारी कम्युनिटी को उठाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हिना मुदस्सिर ने ज्वाइन किया हुआ है अभी। अच्छा हाँ माशाल्लाह, थैंक यू है ना। अच्छा कमाल साहब, आप कॉल कर सकते हैं अगर चाहें तो। एनीबडी हु वांट्स टू गिव अस अ कॉल इन आवर स्टूडियो, आवर स्टूडियो इज नंबर 647-273-2393। यू आर कनेक्टेड, द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू अस, एंड यू आर वॉचिंग अहमद, श्योर टीम आपको ऑफ टू, आपको पता है कि हम टी टॉक। हाँ अपने टी टॉक के टाइम से आगे बढ़ गए कोई हैं। बात ये नहीं, कोई इस बात, चाय का देखिए कमाल ये है। चाहत और मोहब्बत ही तो है, और वी आर हियर इन आवर स्टूडियो, सो जब बिल्कुल तक हमसे ये लोग जुड़े हुए हैं, जब तक हमें ये सराह रहे हैं, हमारे साथ हैं, टाइम, वी हैव टाइम फॉर यू गाइस, नो वरीज। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, हम ये आजकल कुछ नई नई चीजें भी नजर आ रही हैं पेंडेमिक में। येलो पेंगुइन नजर आई है, अच्छा जिसको किंग पेंगुइन कहते हैं। अच्छा टिपिकल ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे ना हम हमेशा, राइट है राइट ना, राइट तो लेकिन ये कह रहे हैं कि आइलैंड ऑफ साउथ साउथ जॉर्जिया इन सदर्न अटलांटिक ओशन में ये मिला है बिल्कुल। और अच्छा फोटोग्राफर जो था उसने, वो लोग तो ऐसी चीजों की तलाश में नहीं, होते हैं जैसे सडनली। येलो जो उनकी नेक होती है, अक्सर पेंगुइन से ऐसी होती है, उनकी नेक येलो भी होती है। हाँ लेकिन वो आई उसमें सॉ उनमें देम। ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं था, अच्छा और ये किंग पेंगुइन ओ अच्छा फैमिली अच्छा इसको अच्छा अच्छा कहा जाता है। लेकिन ये के अब एक और चीज भी देखिए, देखिए ओशन के अंदर भी इतनी तब्दीली आ रही है, जिस तरह कह रहे हैं कि जी पोल्यूशन खत्म हो रहा है, ये हो रहा हो रहा है। तो साइंटिस्ट हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड 3 स्पीशीज ऑफ ग्लोइंग शार्क, अच्छा हाँ, इन द डेप्थ ऑफ ओशन इन न्यूजीलैंड, नियर न्यूजीलैंड। अच्छा जनवरी में ये मिली थी और नजर आई थी साइंटिस्ट को। तो ये देखें कि डीप सी में और क्या क्या होगा, पोल्यूशन कम हो बहुत रहा है कुछ, ना, बहुत कुछ है। तो ये तो अच्छा। अब बस जाते जाते टाइम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं, इसको पहले शेयर मैं करना एक है। छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि जनाब, हमारे हमें आप YouTube पर भी देख सकते हैं, और प्लीज हमें सब्सक्राइब भी कीजिए YouTube चैनल पे, शो टीम ऑफ टू, ठीक है, द टी टॉक, यस यू कैन। थर्सडे को एक शो आता है हमारा, जो कि शाम को हम 9 बजे से और 10 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक करते हैं शो टीम ऑफ टू, और सैटरडे को जैसे कि आप आज देख रहे हैं, 10 to, no, 11 to 12, 11 AM to 12 PM ईस्टर्न,
आप हमारे टी टॉक शो देखते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू यूट्यूब, प्लीज डोंट यू फॉरगेट, थैंक यू। अच्छा एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लें, फिर हम एक बार शेयर करेंगे, फिर हमें खुदा हाफिज करना होगा आपको। अच्छा क्यों, भूख लग रही है क्या? नहीं भूख मुझे कुछ भी फील नहीं होता जिस वक्त, कोई भूख वगैरह नहीं लगती, क्योंकि जिस वक्त मैं शो टीम ऑफ टू में और फिर स्पेशली टी टॉक में मौजूद होती हूँ तो चाय पे तो बातें ही करने का मजा होता है, कोई भूख भूख नहीं लगती। चाय पी भी से बहुत से लोग इसलिए पीते हैं कि उनको खाना ना खाना पड़े डाइटिंग के चक्कर में। एक जबरदस्त चाय, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहे, एक जबरदस्त चाय लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। क्या कहना चाहिए, ये एक रिवॉर्ड है, एक गिफ्ट है और एक प्यार है, एक मोहब्बत है। चले आप कमर्शियल ब्रेक की तरफ चले, उसके बाद हम वापस आके ये चाय के बारे में बताते हैं। राइट राइट राइट। बाइंग अ हाउस और सेलिंग अ हाउस, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, दैट इज नन अदर देन अहमद एंड शहला जाफरी। फ्री मार्केट एवेल्यूएशन विद नो ऑब्लिगेशन फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। रियल एस्टेट की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। कॉल अहमद एंड शहला जाफरी 416-704-0651। वेलकम बैक, आप इस वक्त मौजूद हैं शो टीम ऑफ टू के सेगमेंट टी टॉक में। जी बिल्कुल, चाय पे बातें हो रही हैं और मोहम्मद काशिफ ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, तो आप कैसे बंद कर सकती हैं प्रोग्राम को? अब जिन लोगों ने हमें थोड़ा लेट ज्वाइन किया उनके लिए हम फ्यू मिनट्स आगे चल रहे हैं आपकी खिदमत में। लेकिन टाइम का ख्याल रखें, 11 AM to 12 PM ईस्टर्न। जी बिल्कुल, हम गुड मॉर्निंग कहते हैं और गुड आफ्टरनून में जाते हैं। तो हाँ अहमद, चाय के बारे में हाँ मुझे वो शेयर करना था इसलिए कि वो बहुत जरूरी है। ये मैं एक तोहफा लाई हूँ आप लोगों के लिए। अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, घर खरीदना है, बेचना है, किसी तरह भी कोई मूवमेंट इन रियल एस्टेट, आप कॉल करें। एक ही नंबर या जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है शो में उन सब के लिए एक ही नंबर 416-704-0651 पे कॉल करेंगे आप और आपके तमाम सवालात का जवाब और आपके लिए खरीदो फरोख्त हो जाएगी रियल एस्टेट के हवाले से। अच्छा जी, चाय के बारे में मैं ये बात कर रही थी कि देखें हमने आज हर बहुत सारी चाय, मैं तो कोई भी चाय को क्रिएट कर लेती हूँ, मुझे जिस खुशबू को अच्छा लगता है, मुझे फ्रूट की, वेजिटेबल की, मैं उसकी चाय बना के पीती हूँ। एवोकाडो की चाय, माय फेवरेट। हाँ एवोकाडो की चाय। कॉल आ गई। हेलो, वेलकम टू शो टीम ऑफ टू। हेलो, हाँ माँ जी, आपने मुझे स्टूडियो में कॉल किया है मैं आपसे फिर बात करती हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मैं तो परेशान हो गई कि तुम्हारा फोन नहीं उठ रहा। ठीक है माँ, मैं स्टूडियो के फौरन बाद आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हमारी अम्मी जान है, 12 बजे प्रोग्राम खत्म होता है और वो ठीक 12:02 पे मुझे फोन करती है। आज वो परेशान हो गई कि मैंने उनको फोन क्यों नहीं किया। देखें आप लोगों के प्यार में मैं सब कुछ भूल गई। अच्छा दूसरी, हाँ एवोकाडो की चाय के बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा। और ये मैं लिख के लाई कि ऐसा ना हो कि उस वक्त मेरा लैपटॉप कहीं इधर उधर चला जाए, मेरे मुझसे कोई हाथ जो है ना वो मूव हो जाए, तो मुझे पूरी खबर शेयर करनी थी। अच्छा, कभी एवोकाडो की चाय पी है आप लोगों ने, मुझे बताइए। अभी तक तो नहीं पी, अब आप लाएंगे। एक्चुअली मैंने ये इस चाय के बारे में नहीं सुना था। अच्छा हाँ, तो ये एवोकाडो टी जो है ये टी लीव्स, एवोकाडो के जो लीव्स है ना, हाँ उनको, और आप अपने घर पे एवोकाडो को वो उगा सकते हैं। मैं करने जा रही, मैंने भी लगाया था प्लांट, लेकिन अब मैं वो बर्न आउट हो गया था, पता नहीं किस तरह से, लेकिन ये कि अब मैं उसको प्रॉपरली ध्यान देके उसका उसका बीज लगाऊंगी और उसके पत्तों की चाय पीऊंगी। उन्होंने कहा है कि दैट पोजेस फुल फाइबर, वंडरफुल, इस चाय के पीने से, और लीव कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड क्योर स्टमक एक्स एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। अच्छा, और जनाब बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस टाइप 2 डायबिटीज। वाह क्या बात है, अल्लाह ताला की हर चीज में कितना है ना। मुझे इतनी खुशी हुई जब मैंने ये चीजों में कितनी बरकत है और कितना जब मैंने ये फाइंड आउट किया, तो मैंने कहा ये मैं अपने टी टॉक के साथियों को बताऊंगी
कि ये चाय अब आपने पीनी है। पत्तों को धोकर बॉयल करें और सिमर करें, बॉयल हो जाए तो उसको सिमर पे डाल दें फॉर 10 मिनट्स, और चाय तैयार। देखें जनाब। हाँ फरमाइए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर आप लोग ट्राई करें और इस चाय को पिए, और अगर आपको कोई होता है कि फायदा करेगी नहीं करेगी तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बेशक। हर देखिए, हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं एक दफा फिर आप लोगों को बता दूं कि जो जो इन्फो मुझे अच्छी लगती है, जो नॉलेज मुझे अच्छी लगती है, वो मैं आपको देती हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मुझे समझ में आती है वो मैं आपको देती हूँ, लेकिन आपको वो सारी कंफर्मेशन करनी चाहिए अगर खाने पीने की चीजें हैं, हाँ ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो जाए। वी लव यू, आप लोग जीते रहें, इसलिए हम ऐसी चीजें लाते हैं, लेकिन कंफर्मेशन आपको एक्सपर्ट से चाहिए। बेशक। ठीक है जी अच्छा अहमद। ये मैं बताऊं कि दो चाय का मैं और तस्करा कर दूं, बहुत ज़बरदस्त है। अगर कभी आप ट्रैवल करें और पाकिस्तान जाएं तो कोयटा ज़रूर जाइए, और कोयटा जाकर के वहाँ पर कोयल, सर्दियों में ख़ास तौर से कोयले पे वो चाय बनाते हैं छोटी छोटी चायदानियों में, और वो चाय कहते हैं कि उसका मज़ा इतना है कि पाकिस्तान के डिफरेंट जगहों से लोग आकर के उस कोयले की चाय को ज़रूर पीते हैं लोग। और इसी तरह से पेशावर में कहवा होता है, वो छोटी छोटी चायदानी में वो भी है देते हैं, और वो कहवा जो होता है वो कहते हैं कि खाने के फौरन बाद पिया जाए और तो बड़ा फ़ायदा होता है उसका। और वैसे भी ये जो है रेमिडीज जितने भी हैं इस किस्म के, हाँ हर्ब्स टी हैं बहुत सारी, तो दे ऑल बेनिफिशियल। तो एन्जॉय योर टी एंड आई एम एन्जॉय माइन टू, और उसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद फिर आपको खुदा हाफिज़ कहा हम जाएगा। ब्रेकफास्ट करेंगे अहमद। हाँ आप थोड़ी देर के बाद, चलिए नहीं, मैं अभी यू कह देता हूँ। हैव टू डू गुड ठीक बाय, है, गुड बाय कह देते हैं। और फिर भी मैं लास्ट अपने आखिरी नोट्स के ठीक साथ है इनके बाद मैं गुड बाय करूंगी। क्या करें, ठीक है, ठीक जाएंगे है बस। अहमद। ओके जनाब, तो फिर हाजिर हैं जनाब आप इस नोट के साथ कि हैव यू डन योर वर्कआउट, इफ नॉट सो डू सो, व्हाई, बिकॉज आई सेड सो, कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स। और आज तो दिन भी बड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ी सर्दी है, पहन ओढ़ के आप निकल सकते हैं बाहर एक अच्छी सी वॉक या जॉग के लिए भी। एनीवेज रियल एस्टेट के बारे में कोई भी मालूम लेनी हो, खरीद फरोख्त कोई भी करनी हो, तो आपको इतनी सारी ढेरों मालूम दे दी गई हैं गैस स्टेशन के बारे में। हमारे साथ मसूद राजा साहब थे, खालिद अजीज साहब थे, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वो ईस्ट की लेकर के आए। प्रॉपर्टीज के लिए, इस साइड पे प्रॉपर्टीज बड़ी तेजी से और वो जा रही हैं, और बड़े अच्छे रेट से उनके, और लोअर्स रेट्स के फायदा उठाते हुए इन्वेस्ट कीजिए, बाय कीजिए, मूव कीजिए। कहीं पर भी हाँ, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, एक वन स्टॉप शॉप, वन नंबर, 416-704-0651। और अहमद अली शाह जाफरी जो है वो आपके लिए हाजिर है। यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक, और अल्लाह पाक से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सेहत, इज्जत और खुशियाँ नसीब फरमाए, आपकी दिली मुरादें पूरी हो। अल्लाह हाफिज़ नासिर, फी अमान अल्लाह, सी यू ऑन थर्सडे राइट 9 PM टू 10 PM ईस्टर्न। जी बिल्कुल। मुझे भी खुदा हाफिज़ करना होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और जितने भी हमारे साथियों ने टीम शो टीम ऑफ टू के सेगमेंट टी टॉक में हिस्सा लिया, उन सब आप सब लोगों का शुक्रिया। आपने अहमद अंशाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू के साथ ये टाइम गुजारा, और जनाब एक खुशखबरी के साथ के 1 आवर अहेड जाएंगे हम, और 1 घंटा और सोने को मिलेगा आपको अब। तो फिर इस नोट के साथ मैं आप लोगों को से खुदा हाफिज करना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखें, और पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए आपकी, और खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बिखेरें। और बस इसी के साथ अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू साइन ऑफ फ्रॉम टी टॉक। Buying a house or selling a house? The team of two just for you.